waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Hello guys. आप सभी का स्वागत है एक नई लाइव स्ट्रीम पे। बड़े दिनों बाद लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तकरीबन 3-4 दिनों बाद, क्योंकि वीडियोस आ रहे थे और मैं कुछ कर रहा था। तो वेलकम वेलकम आप सभी का स्वागत है एक नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम लोग खेलने वाले माइनक्राफ्ट और मजे करने वाले। इट्स टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करनी है। और आज हमारे चैनल का 200 वीडियो कंप्लीट होने वाला है ये लाइव स्ट्रीम के साथ। तो बड़ा बूम कर दो गाइस, आप सभी ऑसम हो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। तो आज इस चैनल का ये 200 वीडियो होने वाला है और हम लोगों का न्यू जर्नी माइनक्राफ्ट का आज से
हो चुका है शुरू। वैसे पिछली स्ट्रीम से शुरू हो गया था। पिछली स्ट्रीम में हम लोग देख रहे थे कि कौन सा क्या हो रहा है, क्या नया है वो देख रहे थे। तो इसीलिए हैशटैग टू तो शुरू करते हैं हमारे। मैं अपना घर जो है वो मैं बना चुका हूँ ऑफ स्ट्रीम ही, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बना के दिखा चुका हूँ। तो मैंने सोचा है कि जल्दी से घर बना लेते हैं, फिर आसानी होगा चीज़ें वगैरह रखने में, बढ़िया होगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। मैं एक जगह चूज़ किया हूँ, तो कौन सा जगह चूज़ किया हूँ, कहाँ पर हमारा पूरा शहर बसने वाला है और मजा बहुत ही आने वाला है। तो वेलकम वेलकम गाइस, जो जो भी स्ट्रीम में आ रहे हैं सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं, कोई चैट में वैसे है नहीं तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। साउंड आप लोगों को आ रहा होगा। तो यहाँ पर आशा करते हैं सब सही है। ठीक है, चलो फिर से नाम चेंज, वायरस। ओ भाई, इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता है, नाम बदल रहे ले। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, वायरस। तो सेटिंग ठीक ही है यार, ऑप्टिफाइन आने दो। अरे सर, अब ये परमानेंट परमानेंट तो आप पिछले तीन नाम से ही बोल रहे हो। मुझे पक्का पता है कुछ दिनों में और एक नया नाम आने वाला है। अरे बड़ा बढ़िया था बाबा यागा, फिर प्रोफाइल पिक्चर भी वैसा लगाया था आपने, मस्त लग रहा था, यूनिक लग रहा था। वायरस क्यों किया अब, क्या उसमें वायरस का डीपी दोगे? अरे मस्त लग रहा था। चलो हम लोग का नया, तो हम लोग का जो वर्ल्ड है उसका नाम मैंने न्यू वर्ल्ड है तो नया नाम दे दिया। हम लोग का वर्ल्ड का अभी नाम जो है उसका नाम है रेसोलेंस हेवन। ठीक है, एक हेवन कैसा होना चाहिए, मैं इस शहर को बढ़िया बनाने के मतलब वो इंटेंशन से कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेश स्टार्ट है, सब कुछ नया है, नाम क्यों ना नया हो। तो रेसोलेंस हेवन, जो पहले हमारा नाम था पहले वर्ल्ड का, तो पहले वाला पुराने वर्ल्ड का, उसका नाम था रेसोलेन की दुनिया। तो उसको मैंने तो हटा दिया है, नया वर्ल्ड है, नया नाम है रेसोलेंस हेवन। तो गॉड गेमिंग, अरे तुषार, हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज अप। अरे सर, लेकिन मेरा नेम टॉप पे आना चाहिए सर्च करने पर। अच्छा, बाबा यागा नाम से बहुत चैनल है क्या अभी भी? अच्छा, समझो समझो, ये कर लेना ना, वो जो
पहले नाम रखने से पहले वो सर्च करके देख लेना यूट्यूब में कि ये नेम कितना चैनल है, क्या है, समझ लो। वायरस नाम से कोई चैनल नहीं है, बढ़िया है। सिर्फ वायरस रखोगे, कुछ वायरस के साथ कुछ और जोड़ दो आगे या पीछे, बढ़िया होगा। अबे बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तुम तो, अरे बैठे अब बेटे मौज कर दी। चलो हमारे वर्ल्ड में चलते हैं और दिखाते हैं जो नया जगह हमने चूज किया है वो जगह कौन सी। आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है, तो हाँ जी, जो पुराने वर्ल्ड का घर था वो मैंने ऑफ स्ट्रीम बना लिया, ठीक है, ताकि आसानी पड़े, चीजें रखने में आसानी हो। तो चलो अरे क्या ओपन हो गया, चलो चैट ओपन कर लेता हूं ताकि सही तरीके से पढ़ पाऊं चैट। देखूंगा सर, हाँ वही देख लेना क्योंकि सिर्फ वायरस अच्छा लग रहा है लेकिन और कुछ जोड़ दोगे तो वो और भी ज्यादा यूनिक हो जाएगा, समझ लो। तो ये हमारा नया वर्ल्ड, ब्राइटनेस फुल है क्या, हाँ ब्राइट फुल किया हुआ। वायरस ऑफिस, ओहो आयुष मैं भी माइनक्राफ्ट खेल रहा था, अरे अभी तो सभी खेलेंगे, नई शुरुआत ज्यादातर लोग कर रहे हैं तो मैं भी नई शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि पुराने वर्ल्ड में ज्यादा कुछ बनाया तो नहीं था, ऐसे टाइम पे शुरू किया कि ये अपडेट आने का टाइम से कुछ महीने पहले स्टार्ट किया। अभी नेक्स्ट 1.18 आने से पहले पहले बहुत ही बढ़िया एक शहर बना डालूंगा जल्दी जल्दी ताकि पूरा जो जो मैं सोच कर रखा हूँ बना पाऊँ, ठीक है। तो आयुष वेलकम, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो। टेस्टी समोसा, ओ माय गॉड, डीपी भी समोसा का, ये तन्मय है क्या। अरे हेलियो समोसा, एक प्लेट ऑर्डर कर दो भाई, मुझे भी खाना है, मैं भी आ रहा हूँ। न्यू ओबीएस आए हैं, मतलब अपडेट आया है ओबीएस में, वही बोल रहे हो, हाँ अपडेट मैंने किया ओबीएस का, नया तो कुछ नहीं आया, जस्ट अपडेट आया। अरे ये तन्मय है, पक्का लिख के ले लो तन्मय है। वेट, वैसे सर्वर कब चालू होगा, सर्वर अभी नहीं, अभी तो ये वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है। तो ये है हमारा पुराना घर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़ा पहाड़ जैसा था पूरा उसको लेवल किया, जो कि मुझे 2 दिन लग गया लेवल करने में। तो ये जो हमारा पुराना घर था इसी को मैंने बनाया फिलहाल के लिए ताकि आसानी हो चीजें रखने वगैरह में। वहां पर जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैंने एक कोबलस्टोन का फार्म बनाया था, यहाँ पर थोड़ा खेती बाड़ी किया वरना बिना खाना के मैं मर जाता। तो फिलहाल के लिए ब्रेड चल रहा है। तो ये है मेरा घर और ये मैंने चूज किया ये जगह, मैं ऊपर चलता हूँ ताकि आप लोगों को ये जगह पूरा दिखा पाऊं। बहुत ही पसंदीदा जगह मिला है, एकदम औसम जगह मिला है। तो ये जगह हमने चूज किया है, देख रहे हो,
तो ये जंगल मैंने बनाया है, यहाँ पर ये पेड़ तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर पूरा दूर दूर तक सिर्फ लैंड है। हाँ, थोड़ा ऊंचा नीचा है वो मैं भर दूंगा डर्ट से, और बहुत कुछ यहाँ पर बना पाऊंगा। और यहाँ पे एक विलेज भी है, ये विलेज को मैं नहीं रखूंगा यहाँ पे बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ से विलेजर्स को मैं लेके आ जाऊंगा यहाँ पर कहीं पर, तो ब्रीडिंग फार्म बना लूंगा और यहाँ पर कुछ और बना दूंगा, और दूर कहीं पर बनाएंगे आयरन फार्म। टाइम आउट दे दिया मेरे को, क्या टाइप किया था आपने? अरे देखने दो। अच्छा, अरे भाई बटर चिकन को हाइड मिल गया, वो वर्ड मैन है। अरे यस रसोलेन, सबको टाइम आउट देता है, मैं नहीं, वो नाइट बॉर्ड देता है। मोबाइल में हैप्पी मोड से माइनक्राफ्ट डाउनलोड करो और मल्टीप्लेयर बनाओ। मतलब हैप्पी मोड से माइनक्राफ्ट डाउनलोड करो और बनाओ। ओ पता नहीं, देखना पड़ेगा। अरे वो बर्ड बोलने से टाइम आउट मिलेगा। ओह माय गॉड, तो रात हो रहा है। अरे देखो, तो एक चीज देखो, अभी कोई तोपची सेडर लगा, तोपची क्या, कुछ सेडर ही नहीं लगा हुआ है, ठीक है, एकदम बेस माइनक्राफ्ट है, लेकिन ग्राफिक्स देखो। देख रहे हो आसमान, देखो कैसे रंग बदल रहा है, क्या लग रहा है, देख रहे हो, बेस माइनक्राफ्ट ही बहुत सुंदर है। अरे आई एम समोसा, ओ माय गॉड, समोसा एक प्लेट भेज देना, समोसा। हाँ वो वर्ड बोलने से टाइम आउट मिलता है, वो मैजिकल वर्ड है, बोलने से एकदम गिली गिली शू हो जाता है, गायब हो जाता है मैसेज, आबड़ा का डाबरा भी नहीं बोलना पड़ता है। वो मैजिकल वर्ड है। अरे टेस्टी समोसा, टाइम मत करो। ओ, अरे क्या लग रहा है, देखो तो, माय गॉड क्या प्यारा लग रहा है। अरे यार, अरे हटा दूंगा वो वर्ड, में मैं कुछ देर के लिए रखा हूँ, मतलब कुछ दिन के लिए रखा था, फिर नहीं हटाया था, वो हटा दूंगा, वो तो ऐसे ही रखा हूँ। फिलहाल के लिए वो मत टाइप करो, वरना दूसरा मैसेज भी डिलीट हो जाएगा। वाह यार क्या लग रहा है यार, यही तो है माइनक्राफ्ट। मैं काम करूंगा, प्रेशर प्लेट लगा दूंगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, फिर मुझे बार बार बंद करना नहीं पड़ेगा, हो जा। टाइम आउट दे दिया रे। रिप्लाई तो कर दो, कर दिया ना रिप्लाई, और क्या रिप्लाई करूँ, आपने बाय टाइप किया, बाय, तो बाय का रिप्लाई बाय। जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आई एम धैर्य। अरे धैर्य हो क्या? ओ दूसरी आईडी से आयो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो वाला हबीबी हमारा घर को आओ कभी भी। माय गॉड, रुको इन लोगों को हटाना पड़ेगा। तो हमें काम करना है, बकेट लेना है, इजी पीजी। और आहा कॉपर, माय गॉड, अरे खाना बनाना है, रुको 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 रुको,
कितना बनेगा इससे? सिर्फ इतना बना, और एक ले लेता हूँ। अरे फेंकना नहीं था उसे, बिल्कुल ले लो उसे। चलो 50 से अभी बहुत काम चल जाए। अरे स्पाइडर भाई रुको रुको, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, ये नया वर्ल्ड है, यहाँ पर कोई स्पाइडर फार्म ही नहीं है मेरे पास। हाँ मनहूस मर जा मनहूस। अरे अच्छा मेरे से पंगा, ओ पक यहां से। अरे बो मिल गया, बो मिल गया गाइस, यहां से पानी उठा लेता हूं मैं। आ जा वेलकम वेलकम गाइस, जो जो भी स्ट्रीम में आ रहा है सबका स्वागत है। लाइक दबा दो एकदम बूम बड़ा बीम करके, शेयर कर दो क्योंकि लाइव नोटिफिकेशन कुछ दिनों से देख रहा हूँ नहीं जा रहा है, तो उसको आप लोग ही सही कर सकते हो। तो शेयर कर डालो सबके साथ, फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, दोस्त से हो, सब जगह हमारे इस चैनल को शेयर कर डालो। तो वेलकम वेलकम पीजी आयुष एंड पीजी धैर्य, ओ माय गॉड स्केलेटन बन रहा है। नहीं यहाँ पर क्या है? हाँ क्या है क्या है, यहाँ पर कुछ है क्या? पानी डालूंगा तो हाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है भाग लो यहाँ से सबको, आ जाओ इधर आ जाओ। ओ चलाकी, अरे हटे जाओ वहां से, रुको मेरे से चलाकी मत करो। अरे इसके ऊपर ही दबा रहा हूँ बार बार, कहीं एक जगह रुक तो जाओ। कहाँ पर करूँ, यहाँ यहाँ पर करूँगा तो नहीं होगा शायद, क्योंकि ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। हेलो हेलो, ठीक है यहीं पर रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं अभी, बस वीसी में आवाज नहीं आ रहा, मतलब समझा नहीं। अच्छा आप दोनों वॉइस किसी चैनल में रुके हुए हो क्या? अरे सागर हाँ समझ गया। वेलकम वेलकम, नाम चेंज कर लिया, सागा शूटर, दिलों का शूटर है क्या? भाग लो यहाँ से। ओ चलाकी कैसे जाओगे यहाँ पर? मुझे करना मुश्किल। आ जाओ, हत्याकांड होने वाला है अभी। हेलो कैसे कैसे हो? ओ घूमर घूमर घूम, हाँ जाओ जाओ और जाओ।
लिड मिल गया क्या? दो आ जाओ, अब तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, हमारे सनम, आ जाओ। फिलहाल के लिए यहाँ रुको। अरे तुम भी आ जाओ यहाँ पर रुको। अरे यहाँ पर रुक जाओ। दिलों का शिव, ओ माय गॉड, झिंग तक पूदा। ढिंचक पूजा ओपी गाइस, ढिंचक पूजा ओपी। प्लीज एसएमपी सार्थक हेलो, एसएमपी खेलेंगे खेलेंगे, अब भी नहीं। और पानी कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर पानी बंद कर देता हूँ ना मैं, तो नई बात है कोई? ये बंद कर दिया और बताओ, ये बंद कर दिया और बताओ। ये जो जगह मुझे मिला है ना, सबसे बेस्ट जगह है, इसमें ऐसे चीजें मैं बनाने वाला हूँ ना, सोच नहीं सकते आप लोग। और जल्दी जल्दी बनाऊंगा इस बार 1.18 आने से पहले। 1.18 में टाइम है, तो रुको थोड़ा खेती बाड़ी कर लेते हैं। आ जाओ, वो मस्त लगा ना। लगा देते हैं, आ जाओ वाटर को अंदर रख लिए। तो एसएमपी करेंगे अभी नहीं, अभी तो ये वर्ल्ड नया शुरुआत हुआ है, इस वर्ल्ड में धमाका होने वाला है, ऐसे ऐसे चीजें बनाने वाला हूँ, इतना मजा करने वाला हूँ। अभी तो ऑप्टिफाई नहीं निकला है, वरना शेडर लगा लेता, शेडर लगाऊंगा अभी नहीं बाद में। तो खेत वगैरह बनाऊंगा, फिलहाल के लिए टेम्परेरी खेती सही है, वरना भूख के मारे खत्म हो जाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये बात है, तो हम लोग अभी रेडी हैं बहुत कुछ बनाने के। ठीक है, तो वो एक बंदा बोल रहा था फोर्टनाइट खेलने को, लेकिन वो आया ही नहीं, मैं बैठा था आया ही नहीं। मैं लाइव में नहीं खेला सबसे बड़ी बात है, वरना मैं अकेला ही खेलता, वो तो आता नहीं शायद। तो वेलकम गाइस, जो जो भी स्ट्रीम में आ रहा है सबको स्वागत है। तो इस चैनल में बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ औसम औसम लाइव स्ट्रीम भी मिलता है देखने को, तो लाइक दबा दो और शेयर कर दो इस चैनल को, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्त लोगों के साथ शेयर कर लो। कोई मस्त मूवी बताओ, एक ये देख लो, लोकी देख लो, नया निकला है, मस्त मूवी है और वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप मार्वल का आगे का सारा मूवी देखना चाहते हो तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स बहुत ही एक्सटेंड होने वाला है। लोकी मूवी निकाल के उन लोगों ने दिखा दिया, तो लोकी देख लो, वेब सीरीज जैसा है शायद, मस्त है। अरे यहाँ पर ये चाहिए मुझे, रुको घर से घूम के आते हैं। तो लोकी देख लो, मस्त देख सकते हो, बढ़िया लगेगा।
आशा करता हूँ आप मार्वल का पिछले सारा मूवी देख चुके हो, तो अभी जो देखना है वो है लोकी। अगर लोकी देखोगे, अरे सो लेते हैं थोड़ा, लोकी देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मार्वल कितना खतरनाक होने वाला है, अभी कहां से क्या निकलने वाला है। माइनक्राफ्ट का अपडेट पार्ट में आ रहा है ब्रो, 1.17 एंड 1.18, नहीं अगला वाला अपडेट आने वाला है लेकिन वो 1.18 नहीं होने वाला है, 1.18 नहीं होने वाला है, अगला वाला अपडेट 1.17 के बाद पॉइंट लगा के वो लोग कुछ ऐड कर देंगे। अरे स्पाइडर भाई रुको रुको रुको, एक बात करनी आपसे, निकलो पहली फुर्सत में। अरे चुम्मा नहीं चाहिए था, अरे चुम्मा नहीं चाहिए, कौन सी माइक यूज कर रहे हो? मैं यूज कर रहा हूं वो 450 रुपये वाला जो नहीं आता है, वो कॉलर वाला माइक, तार वाला छोटा कॉलर में लगा देते हो बोया का वो। जो उसे लेवलियर माइक भी बोलते हैं शायद, तो वही माइक यूज करता हूं मैं, वो 400-450 में आ जाता है, सेल वगैरह में अगर आप खरीदोगे तो। वेलकम शिवम, कैसे हो? स्पाइडर का आवाज सुनने को मिला नहीं, ठीक है। टेस्टी समोसा। समोसा से याद आ गया, बहुत दिनों से समोसा नहीं खाया मैंने, मुझे वैसे समोसा बढ़िया लगता है, पता नहीं है तो मैं बता दूं। समोसा चलो, खेती बाड़ी हो चुका है क्योंकि खाना भी जरूरत है। अच्छा हूँ भाई, माइनक्राफ्ट का सर्वर लिंक दो बोल रहे हो, ये सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है, ये मल्टीप्लेयर वर्ल्ड नहीं है अभी, तो मल्टीप्लेयर खेलने का कोई सीन मैंने सोचा नहीं है, इन फ्यूचर खेलूंगा जब थोड़ा चैनल ग्रो कर जाएगा तो एक पेड सर्वर खेलूंगा, और ये हो सकता है कि किसी और के सर्वर में खेल रहा हूं और आप लोगों को बुला लो, क्योंकि खुद का सर्वर में जो हगापा होता है दिमाग खराब हो जाता है मैंने देखा, तो वो तो अभी नहीं कर रहा हूं, वो भी फ्री वाला, ओ माय गॉड। तो सागर शागा शूटर बुलाओ क्या उसे, शागा शूटर ले। बहुत कुछ बनाना है इस वर्ल्ड में, तो बनाएंगे। तो वाटर को रख देते हैं, हमें डायमंड ढूंढने जाना है क्योंकि इंचेंटिंग टेबल बनाना होगा, तो डायमंड तो जरूरत पड़ेगा। तो वही है जो है, तो फिलहाल के लिए खेती बाड़ी डन। तो डर्ट देखोगे मेरे पास कितना डर्ट है, देखो बूम डर्ट, बूम डर्ट, और यहां पे थोड़ा है।
इतना डर्ट क्यों है, आप लोग भी सोचोगे इतना डर्ट। अरे रसोलेन भाई डर्ट का काला बाजारी कर रहे हो क्या? नहीं, यहाँ पर एक पहाड़ जैसा था ऐसे 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 ऐसे, तो यहां से मैंने 7 से 8 लेवल या 6 से 7 लेवल नीचे किया जो इस लेवल में आया। अभी ये 72 लेवल में है, ये तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 78, 79 लेवल तक था जो मैंने तोड़ तोड़ के नीचे किया, क्योंकि मुझे एक अच्छा लेवल चाहिए था जिससे ये घर बहुत ही ऊंचे में ना दिखाई पड़े, इससे थोड़ा बढ़िया लगे। तो वो डर्ट वगैरह तोड़ तोड़ के इतना डर्ट हो गया मेरे पास, समझ रहे हो? तो मेरा सर्वर में खेलिएगा जरूर जरूर जरूर। जब मैं बोलूंगा कि को सर्वर में खेलना है, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी का सर्वर, तो तब आप बता देना, ठीक है? अभी तो नहीं। ओहो 15 लाइक, थैंक यू गाइस, थैंक यू, आप सब एकदम एकदम ऑसम, चुम्मा आप सभी को। अच्छा रुको, ये दोनों का हटाना पड़ेगा, एक फेंस, ये उसी को तोड़ लेता हूँ ना, उस फेंस को। हाँ कितना वॉच टाइम हो गया वो तो मैंने देखा नहीं, वो उतना मैं वो सब नहीं देखता हूँ, कि जितना होगा हो जाएगा। अभी उतना हमारा वॉचिंग नहीं आता है कि वॉच टाइम अचानक से बहुत बढ़ जाए। तो इसीलिए मैं उतना सोचता नहीं हूं, जिस दिन होना है वो हो जाएगा। व्हाट, ये क्या था? अरे दोनों फेंस में कैसे चला गया? हेलियो, ओ माय गॉड, अरे माइनक्राफ्ट, हेलियो, अरे बिना सेडर का ऐसा कैसे हो रहा है? मैंने देखा है कुछ कुछ ग्लिच है, कुछ कुछ ग्लिच है। मैं ऑफ स्ट्रीम खेल रहा था, तब मैंने देखा, मैंने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा, फिर मेरे हाथ से अचानक से फिर से क्लिक हो गया तो वो प्लेस हो गया, ठीक है? लेकिन तब भी मेरे हाथ में और एक क्राफ्टिंग टेबल था, मतलब ऐसे प्लेस हो गया लेकिन तब भी मेरे हाथ में और एक क्राफ्टिंग टेबल था, और उसको मैंने सोचा ऐसे ग्लिच होगा, लेकिन मैंने उसके बगल में प्लेस कर दिया, तो मतलब दो क्राफ्टिंग टेबल एक से कैसे निकला? इसने जन्म दे दिया क्या? तो ये सब शायद फिक्स आएंगे। तो बग एक्सप्लोरर रसोलेन गेमिंग, ओ माय गॉड, माइनक्राफ्ट वालो, तुम्हारा सब कितना है? अभी तो उतना सब नहीं है, मैं सब रिवील करने वाला हूं, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को शेयर करना पड़ेगा, ताकि वो जो टारगेट मैं सोच के रखा हूँ वो हिट कर जाए और मैं सब रिवील कर दूँ। तो मैं ये बता दूँ, टारगेट से मैं तकरीबन 40 सब्सक्राइबर दूर हूँ, तो और 40 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं एक रिवील स्ट्रीम के साथ कर दूंगा। 10K है, ओ भाई 10K होता तो ये 2, 3, 4 वॉचिंग थोड़ी होता, 10K में बहुत वाचिंग आता है, 10K नहीं 10K। अच्छा इतना बता देता हूँ क्लू कि 500 भी नहीं है, चलो ये बता, कोई नहीं बताएगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे एक सब रिवील का स्पेशल स्ट्रीम करना है, तो इतना बता दिया कि 500 भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है? तो आपने 10K तो बहुत बोल दिया,
तो मेरा जो टारगेट है वो कितना रखा हूं मैं वो नहीं बोल सकता। तो उससे मैं 40 सब्सक्राइबर दूर हूं, तो वो करवा दो, मैं सब रिवील कर दूंगा। ठीक है, नहीं तुम्हारा 50K वॉच है मतलब, समझा नहीं, 50K वॉच है मतलब, समझा नहीं। चलो अभी जो हम करने वाले, ये स्टोन अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाने वाले। समझा नहीं जानी, समझा तो मुझे जानी। वेलकम गाइस, जो जो भी स्ट्रीम में आया है सभी का स्वागत है। एक लाइक दबा दो, देखो चैनल को, वीडियो एंजॉय करो, लाइव स्ट्रीम होता है, बढ़िया बढ़िया वीडियो आता है। अगर आप लोगों को पसंद आए इस चैनल तो सब्सक्राइब कंसीडर कर सकते हो। है कि नहीं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी आने वाला है आने दिनों में। सो के आ जाता हूं वरना ज़ॉम्बी उठा के लेके जाएगा मुझे। वॉचिंग मतलब समझा नहीं, हाँ समझा नहीं, वॉचिंग मतलब सब हाइड किया हुआ है। और वॉच टाइम वगैरह तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वॉच टाइम दिखाई पड़ जाता। मैं सोच रहा हूँ एक पानी का एक स्क्वायर करूँ घर के चारों तरफ। करते हैं पहले ये कर लेते हैं, फिर करते हैं। पहले क्या होता था कि इसके ऊपर जब तक वो ग्रास नहीं आता था आप ये नहीं कर सकते थे, लेकिन आप ये कर सकते हो। ये 1.17 में कर दिया ये लोगों ने, समझ रहे हो। तो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है और बहुत ही जल्द बनाऊंगा अभी। थोड़ा रेगुलर बेसिस पे भी खेलूंगा माइनक्राफ्ट और बहुत ही जल्दी जल्दी बनाऊंगा ताकि हमारा वर्ल्ड 1.18 से पहले बन पाए, बहुत ही बढ़िया वाला। नेपाल, ओ आप इंग्लिश में बोलो ना, मैं समझ लूंगा, कोई बात नहीं। आप हिंदी में बोल सकते हो, हिंदी आपको नहीं आता तो आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोल सकते हो। आप को अगर बंगाली आता है आप बंगाली भी बोल सकते हो। थोड़ा बहुत पंजाबी भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत मराठी भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत बस इतना ही आता है मुझे। बस यही है, अभी इंग्लिश बोल सकते हो। और आप अगर बोलोगे मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो इंग्लिश किसी का भी उतना अच्छा नहीं होता है मेरा भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप बात करोगे तभी सीखोगे, आप कोशिश नहीं करोगे तब कैसे सीखोगे। सबसे बढ़िया सीखने का जरिया है बात करना है, बस कुछ भी आए आपको बात करना है। और अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो जान लेना है कि अच्छा मैंने ये गलत बोला, अच्छा इसको ऐसे बोलना है, तो अगली बार से आप उससे नहीं बोलोगे, बस सीख गए आप। तो ये बात है और कुछ नहीं, इजी पीजी।
लेमन स्क्वीजी। ओह माय गॉड, इतना मिलियन तो यूट्यूब वाले भी नहीं सोच सकते, इतना मिलियन। माय गॉड, थैंक यू सोचने के लिए। अगर कभी इन फ्यूचर इतना हुआ, ओ भाई साहब, तो आप लोगों का ही सबसे बड़ा हाथ होगा। तो जरूर जरूर, अगर आप लोग चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो और आप लोग ही सबसे अहम हो एक यूट्यूबर के लिए, मेरे लिए। आप लोग से ही मैं हूं, आप लोग नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और ऑसम हो आप सभी को, बढ़िया वाला चुम्मा मेरी तरफ से। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इतना डर्ट है तो वो काम में आएगा अभी। और यहाँ पर भी ग्रास हो जाएंगे, यहाँ पर पूरा ग्रास ही है शायद, नहीं यहाँ पर थोड़ा स्टोन है। यहाँ पर थोड़ा स्टोन है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। अरे थैंक यू थैंक यू, आप सभी का प्यार मेरे लिए बहुत ही बढ़िया। तो हो गया हो गया हो गया, यहां पर है। आ जाओ, तो मैं स्टोन हटा रहा हूं और वहां पर डर्ट लगा रहा हूं, समझ रहे हो। शेयर वगैरह करो यार गाइस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हमारा टारगेट कंप्लीट हो सके और सब रिवील करूं बड़ा बूम करते हुए। है कि नहीं करो। अरे यहां पर नहीं लगाना है, ठीक है बस। आज का थंबनेल कैसा है? जो टेस्टिंग का स्ट्रीम था वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो फ्रेश स्टार्ट है और आज हमारे चैनल का 200 वीडियो कंप्लीट होने वाला है। ओह माय गॉड, दो सौ वीडियो इन द हाउस। अरे यार 200 वीडियो देखते देखते हो गए, मतलब मैं कभी सोच ही नहीं सकता 200 वीडियो मैं बनाऊंगा। ओफी ओफी अनीश, अरे वही तो सोच ही नहीं सकता। आज तुषार आया था, तन्मय शायद बिजी है। तो अनिश, तुम्हारा चैनल कैसा चल रहा है?
कैसा चल रहा है? ठीक है, तो पीछे का सारा हटा दिया मैंने। यप, तो ग्रास हो जाने दो। घाटे में क्यों क्यों घाटे में जा रहा है? यहाँ कम है, इधर से शुरू करते हैं, उधर से ज्यादा है। यहाँ से शुरू करते हैं, आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? अरे रुको बॉय, क्यों बॉय क्यों घाटे में जा रहा है? ऑप्टिफाइन रिलीज नहीं हुआ है, समझ रहे हो? इसलिए माइनक्राफ्ट का नॉर्मल ग्राफिक्स में खेल रहा हूं। ऑप्टिफाइन रिलीज हो जाए फिर शेडर लगा लूंगा मैं। बस पूछो मत, अरे बताओ बताओ, शेयर करो, मन हल्का होता है उससे। क्या हो गया बताओ, तक पता लगे मैं कोई सजेशन दे दूं अच्छा ऐसा कि वो काम कर जाए। हो सकता है, हो सकता है। तो बताओ क्या हुआ है, क्या मन की बात है? नहीं थैंक्स। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। आपको लगेगा अरे महीनों महीनों में मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, कोई व्यू नहीं आ रहा है, कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन उससे आपका जो चैनल का एनालिटिक्स है वो बढ़िया रहेगा, और वो एक मोमेंट जब आपका वीडियो वायरल चला जाएगा, बस फिर आपका कोई पुराना वीडियो हो या नया वीडियो छोड़ोगे, सब ऑसम व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहेंगे। तो आपको वही सोचना है, वो पल आएगा कभी ना कभी, मेहनत करते जाना। ठीक है, मेहनत ओपी करना है बस, ताकि आप भी बोलो अमित बड़ाने के तरह मैंने की है मेहनत। अरे कौन है? अच्छा मुझे लगा ड्रेडर्स आ गए, तोड़ लेते हैं एक बार में। आ जाओ फिर फिल करते हैं, तोड़ेंगे फिल करेंगे। अरे पहले तोड़ लेते हैं फिर फिल करेंगे। आज सोच रहा हूँ थोड़ा माइनिंग भी करने जाऊं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा केव है, तो देखते देखते, क्योंकि डायमंड भी चाहिए, तो देखते देखते क्या करते। पीछे एक ट्री गार्डन भी बनाना है, आज ही शायद बना लूं, देखते। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नया वर्ल्ड है, मुझे वार्डन से मिलना है। मिलेगा क्या वार्डन, या नेक्स्ट अपडेट में वार्डन आएगा? नेक्स्ट अपडेट में शायद वार्डन आएगा। मैंने सुना है गोलेम से भी बड़ा होता है वार्डन, और खतरनाक, वो देख नहीं पाता है लेकिन सुन पाता है। मतलब देख नहीं पाता है लेकिन सुन पाएगा, और आपको गंदी तरीके से पीटेगा। तो भाई वार्डन ओपी, और व्हाट, ठीक है गाइस, जो जो स्ट्रीम में एक लाइक जरूर दबाना, और देखो एंजॉय करो। नो बस जावा एडिशन है, जावा एडिशन है ये,
जावा है जावा। तो वेलकम वेलकम, आपको स्वागत है रसोलेन गेमिंग में। तो हम लोग फ्लोरिंग को थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोन बढ़िया नहीं लगेगा, तो फ्लोरिंग को हम लोग पूरा डर्ट कर देंगे ताकि यहाँ पर अच्छा सा फील आ पाए, आर्टिफिशियल नहीं लगे, नेचुरल लगे। इसे चलते हमको बहुत सारा स्टोन भी मिल रहा है। तो वैसे हालांकि हमारे पास बहुत स्टोन है, लेकिन वो सब काम में आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि एक टावर बनाने वाला हूँ, फिर और भी बहुत कुछ बनाने वाला हूँ। अरे नोवस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अरे वेलकम टू द रसोलेन गेमिंग कम्युनिटी, आपका स्वागत है, स्वागत है। ऐसे हो नोवस, थैंक यू थैंक यू, आप सभी औसम हो, सभी औसम हो, एकदम ही औसम। चलो यहां से तोड़ते हैं। थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, यू गाइज आर ऑसम, वी आर ऑसम गाइज, वी आर ऑसम। तो यहाँ पर हम लोग फ्लोरिंग कर रहे हैं ताकि आर्टिफिशियल नहीं लगे, थोड़ा बढ़िया लगे, तो ये जल्दी हो जाएगा। फिर हमारा पीछे का ट्री गार्डन जो है उसको बनाने वाले हैं, जैसे कि हमारे पुराने वर्ल्ड में था, समझ रहे हो। और हमें माइनिंग करना है, देखते हैं आज सारा काम जो जो सोच के रखा हूँ वो अगर हो गया तो माइनिंग करने भी चलेंगे, क्योंकि हमें डायमंड चाहिए होगा, क्योंकि हमें एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना है, क्राफ्टिंग टेबल बोल रहा हूँ, अरे गापा, इंचेंटिंग टेबल बनाना है। तो ठीक है, चलो हो, अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो बढ़िया काम तो चल रहा है। और चलो, अरे गाइस थैंक यू, 19 लाइक्स, अरे यार बड़े दिनों बाद 19 लाइक्स हुए हैं, इतना बढ़िया फील हो रहा है। थैंक यू गाइस थैंक यू, आप सभी एकदम ही ऑसम हो। तो मैं चैट ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों का चैट पढ़ते रहूं मैं, तो ठीक है। तो यहां पर शेडर, जैसे शेडर नहीं आया है, तो शेडर नहीं आया है, ऑप्टिफाइन नहीं आया है। हालांकि ऑप्टिफाइन के साइट में जाओगे तो आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा कि ऑप्टिफाइन 1.17 आ चुका है, लेकिन वो प्री वाला है, समझ लो। और प्री वाले में क्या होता है, प्री वाले में शेडर वगैरह आप लगा नहीं सकते, वो जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए होते। तो फुल लॉन्च हो जाएगा ऑप्टिफाइन का, तब हम लोग शेडर लगा के खेलेंगे, तब तक
पूरा बेस जो माइनक्राफ्ट है वो तो ज्यादा खेले नहीं है कभी भी, उसका एंजॉय लेते हैं, उसका फिर समझ में आएगा कौन सा ब्लॉक कितना चेंज हुआ है कि नहीं। आ जाएगा और 5-6 दिनों में शायद आ जाएगा, तो कोई बात नहीं है, तो इसमें कोई बात नहीं। तो नेट हग रहा है क्या? रुको मैं थोड़ा ओवरव्यू देखता हूँ। नेट थोड़ा थोड़ा हग रहा है बीच बीच में कभी कभार, तो मैं काम करता हूँ ये क्लोज कर देता हूँ ताकि इंटरनेट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करे। ठीक है, इंटरनेट अभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बताओ अभी साउंड वगैरह में भी चेंजेस किया है इन लोगों ने, क्योंकि पहले आप जब कंट्रोल्स में नहीं साउंड में ये मुझे 50 कभी कभार 50 से भी कम रखना पड़ता था, क्योंकि बहुत आवाज होता था ब्लॉक वगैरह तोड़ने का या कुछ। लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं 60 में रख रहा हूँ, फिर भी ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और भी ज्यादा करूँ। हीरो ब्राइन दिखा, मतलब हीरो ब्राइन दिखा मतलब रेड आया है क्या? अरे रेड आया है क्या? अरे ओ भाई, अरे चैट भाग रहा है, देखो हीरो ब्रेन देखा। अरे किसकी तरफ से रेड है गाइज? परासर रेड। अरे थैंक यू गाइज अब सभी का आने के लिए, और जिनके तरफ से रेड आया है उनको दिल से शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया वाला औसम दिन बना दिया आपने, इतनी एकदम से अचानक से भयानक कर दिया है और बढ़िया रेड करवा दिया है। आप सभी का स्वागत है, जो जो भी आई है सबको प्यारा वाला चुम्मा, और सभी का स्वागत है इस चैनल में। आए हो तो एक लाइक जरूर दबा देना, सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, देख लो चैनल, अगर पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना, वो आपके ऊपर है, लेकिन आए हो तो लाइक करना तो बनता है। और जिनके तरफ से रेड आया है, ओहो गाइस थैंक यू माय गॉड, थैंक यू दिल से शुक्रिया। अरे यार थैंक यू जिनके तरफ से भी रेड आया है, एकदम ऑसम वाला रेड था। 25 लाइक्स डन, ओ भाई क्या ही सीन हो गया। वेलकम अरुण, आदित्य, राहुल, अरे थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, युवराज, परसर, अरे थैंक यू आदित्य, थैंक यू रायकिरी वाईटी, अरे सुमंत, अरे परसर रेड, अच्छा थैंक यू एसडी गेमिंग, इराज, शुभन, अरे थैंक यू गाइस आप सभी का आने के लिए, आप सभी एकदम ऑसम। इसी बात पे मैं रेड बेड लगा के इस पे कूद के लेट जाऊंगा। अरे थैंक यू बहुत ही प्यारा रेड था, मौसम को एकदम ऑसम करने वालों की तरफ से आया है रेड। और दिल से शुक्रिया,
अरे 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 हार्ड हार्ड हार्ड। अरे अरे थैंक यू परसर फैमिली, परसर फैमिली थैंक यू एकदम ऑसम है परसर फैमिली। अरे थैंक यू आदित्य थैंक यू बताने के लिए। श्लोक हेलो, श्लोक हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। अरे थैंक यू गाइस, जो जो भी स्ट्रीम में आए हैं सभी को आने के लिए शुक्रिया। आप सब एकदम ही औसम हो। इतने सब है मेरा उतना, वो तो मैंने अभी रिवील नहीं किया क्योंकि मैंने एक टारगेट सोच के रखा है, तो वो टारगेट हिट कर गया तो मैं एक सब रिवील का स्पेशल स्ट्रीम करने वाला हूँ तो इसीलिए तो देखते हैं, बहुत ही जल्द अगर हो गया तो मैं सब रिवील करूँगा और उसका एक स्पेशल स्ट्रीम करने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी का सपोर्ट एकदम औसम है। अरे थैंक यू अरुण, थैंक यू अरुण, थैंक यू गाइस। बड़ा बूम कर दिया आप लोगों ने, एकदम बड़ा बूम कर दिया और डाला एकदम। अरे एकदम से एकदम मतलब मूड को बूस्ट कर दिया आप लोगों ने। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग यहाँ फ्लोरिंग कर रहे थे और अचानक से भयानक हो गया, रेड आ गया था तो सही है सही है, मजा आ गया एकदम। अरे यार बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ओहो इतना अंदर में अचानक से एक फीलिंग सा फैल गया ना खुशी का, सोच नहीं सकते आप लोग बस वही है वही है औसम औसम। बढ़िया बढ़िया थैंक यू गाइस थैंक यू। तो हम लोग बना रहे हैं, मतलब बना रहे नहीं, यहाँ पर फ्लोरिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोन रहेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि पूरा डर्ट से फ्लोरिंग कर दूँ ताकि बढ़िया लगे देखने में। क्या हो गया, लामा भी कुछ बोल रहा है। तो अभी शेडर, शेडर तो लगा नहीं सकता, शेडर लगाता तो और भी ओपी लगता, लेकिन ऑप्टिफाइन आया नहीं है। ऑप्टिफाइन आने दो, एकदम फुट डालूंगा, ऑप्टिफाइन आने दो, शेडर लगाऊंगा और हमारा जो ओपी लुकिंग होता है वो तो रहेगा ही, तो बहुत ही शानदार होने वाला है। देखते हैं 5-6 दिनों में शायद आ जाए क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही हो चुके हैं शायद, तो ऑप्टिफाइन आ जाए। और बाकी सब तो बढ़िया है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया। तो ये हमारा नया वर्ल्ड है, एकदम फ्रेश स्टार्ट किया हूँ। 1.17 नया अपडेट आया है, तो अभी वही है कि फ्रेश स्टार्ट करने में जो मजा है अलग ही मजा है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको एकदम सिरे से सब कुछ बनाना है, एकदम कुछ भी नहीं है, सब बनाना है। तो कुछ भी नहीं था, पेड़ वगैरह तोड़ तोड़ के मैंने, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो पेड़ लगाया है मैंने, यहाँ पर नहीं था ऐसे, यहाँ पर बहुत पेड़ लगाया था तोड़ तोड़ के, फिर यहाँ पर ये घर बनाया है, अभी यही है और कुछ है नहीं।
अभी धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही शानदार विलेज बनने वाला है, जो कि आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत ही मजा आए देखने में। और एक बार आ जाने दो यार आपकी फाइन, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब तो बहुत ही नया नया चीज भी आया है, ये घर को मैं ऐसा मॉडिफाई करूंगा ना एकदम स्वाद आ जाएगा, क्योंकि कॉपर आया है वो भी आप डेकोरेटिंग ब्लॉक में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी देखना पड़ेगा कि कब ऑप्टिफाइन आता है, तो आने दो आने दो, वो डालेंगे एकदम ऑप्टिफाइन को, आने दो संभाल लेंगे, आने दो। अरे यार बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही बड़े दिनों बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा था तो मूड बढ़िया था ही, और मूड को और भी बढ़िया कर दिया बढ़िया रेड ने, तो बहुत ही मजा आ गया। तो यही है और क्या है। ट्वेंटी एट लाइक्स, ओह माय गॉड, बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है अरसा हो चुका है। 28 लाइक्स, ओहो मजा आ गया। होने वाला ही है, फिर हम लोग डर्ट लगा देंगे, फिर शायद ये सामने का ये ट्री वगैरह तोड़ेंगे, और पीछे में हम लोग बनाने वाले हैं एक ट्री गार्डन। यहाँ पे ये जो बायोम मिला है बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, मतलब मेरे पास स्नो भी अवेलेबल है, मेरे पास स्प्रूस का तो पूरा जंगल अवेलेबल है, शायद डेजर्ट भी अवेलेबल होगा, अभी ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, और आसपास सी भी होना चाहिए। बहुत ही मजा आ गया। तो यहां पर थैंक यू जो जो भी सब्सक्राइब किया है। अच्छा और एक, अरे इतनी सी जगह के लिए और एक, चलो और एक तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पिकैक्स तो रखना है ना खुद के पास काम वगैरह करने के लिए। अरे शोवल क्यों बना लिया मैंने, शोवल तो जरूरत नहीं था। ठीक है कोई बात नहीं, काम में आ जाएगा कभी ना कभी, तो काम में आ जाएगा इसमें। कभी ना कभी तो काम में आएगा। लिरिक्स को मैंने चेंज कर डाला। अभी ये घास जो है फैल जाएगा। और मेरे पास बहुत डर्ट है, तो उसकी टेंशन नहीं है कि इतना
डर्ट कहाँ से आएगा, बहुत डर्ट है मेरे पास। मौसम से एक व्यू देखना है, ये देखो देख रहे हो, फील आ रहा है म्यूजिक के साथ। रसोल एंड गेमिंग सिनेमैटिक्स दिखाते हुए। अरे चल रहा यार, अरे मत आओ, चले जाओ, अभी मैं तैयार नहीं हूं फाइट करने के लिए। थोड़ा तैयार होने दो, गियर वगैरह अपग्रेड होने दो, फोड़ डालूंगा। चला गया क्या? अरे यार चले जाओ यार, अच्छा चलो मार देते हैं इन लोगों के चलते टाइम वेस्ट होगा। हाँ यार मार देते हैं, इनको एक काम करते हैं, शोबल में रख देता हूँ यहाँ पर, मार देता हूँ। आ जाओ आ जाओ, इन्हें मार देते हैं। बाय वली, आ जाओ। हाँ यहाँ पर स्विमिंग पूल बना दिया मैंने, हाँ यहाँ पर घूम रहा है सब। रुको यहाँ भी पानी है, ओ आ जाओ मनहूसो, आ जाओ अब, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मरा नहीं है बिल्कुल। फाइट था बिना हथियार का, क्या फाइट था। क्या फाइट था, ओहो यहाँ पर एरोज ही एरोज। ये मैंने अचानक से मिठुन दागा क्यों नकल किया, इस क्या रे। मैं एक सेकंड एक चीज देख लेता हूँ, रुको जरा रुको। 29 लाइक्स, ओह माय गॉड, अरे कौन आके लाइक करके क्या, अरे थैंक यू, ओ हो थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू थैंक यू। चलो तो हम डर्ड फील कर रहे हैं, तो अभी बहुत भयानक फाइट हुआ था,
रेडर्स वर्सेस लावा, ओ माय गॉड। तेजी से फिर करते निंजा टेक्निक। अरे और भी बहुत दूर है, इतना तेजी से फील करते हुए देखा किसी को? ये निंजा टेक्निक है। अरे टिंग 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 निंजा टेक्निक। देख रहे हो निंजा टेक्निक ओपी बोलते, ये है निंजा टेक्निक। देख रहे हो सबसे फास्टेस्ट हुए। चलो डर्ट लेके आते, ये सब रख के आते स्टोन और डर्ट लेके आते। यार खाना खाना है। ओ अभी मैं शाकाहारी हूँ क्योंकि ब्रेड खा रहा हूँ गेम स्टार्टिंग से ही। यहाँ पर स्टोन रख देता हूँ। ठीक है ये ठीक है। कूल। अच्छा डर्ट लेने आया था मैं, चल तो इतने में हो जाएगा आई थिंक सो। हो जाना चाहिए है ना कि ना। चलो फिर से निंजा टेक्निक ओपी करते। थी एंड शू एंड वन निंग 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 निंग। ऐसे मैं ये भी करता हूँ, जो अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो क्रॉप वगैरह लगा रहे हो तो ये टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो आप तेजी से क्रॉप लगा सकते हो, समझ रहे हो। मैं दिखा दूंगा जब क्रॉप का एक खेत बनाने दो, मैं वो दिखा दूंगा। इसी तरीके से आप इजीली क्रॉप लगा सकते हो फास्टेस्ट वे। फास्टेस्ट वे तो क्रॉप तोड़ने का तो आइडिया है, आप पानी डाल दो, और लगाने का फास्टेस्ट वे है आप ये कर सकते हो कि ऐसे 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 क्रॉप लगाओगे तो महीने लग जाएंगे। समझ रहे हो, ऐसे आना है बस, मून वॉक करते हुए लगाते जाना है और क्या। तो ऐसा करके आप खेत में क्रॉप भी लगा सकते हो जो कि एकदम फास्टेस्ट हुए है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स विद रसोलन गेमिंग, देखते रहिए भाई और बहनों। अरे अरे अगर एक बढ़िया सा कोई शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहते हो तो कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो छोड़ा था टोक्यो ड्रिफ्ट का म्यूजिक के साथ, वो देखना मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, फील आ जाएगा आपको देखने में, वो देखना जरूर। ठीक है वीडियो में जाना चैनल में, और वो टोक्यो ड्रिफ्ट का एक वीडियो छोड़ा है मैंने गेम का, शॉर्ट वीडियो ज्यादा नहीं 40-45 सेकंड का है, तो वो देख सकते हो अगर देखना चाहते हो, मजा आएगा। ठीक है तो ये डन 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 अभी लग रहा है बढ़िया, वरना यहाँ पर स्टोन था अच्छा नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे ये ग्रास फैल जाएगा, अभी बढ़िया लगेगा। अभी बढ़िया लगेगा। ठीक है सही है। ठीक है यहाँ पर ग्रास ऑलरेडी फैल गया है। एक काम करते हैं वो ट्री तोड़ के आते हैं। आ जाओ अरे यहां नहीं,
यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, कहीं से भी कैरी उठा लिया मैंने, कोई बात नहीं। एक ब्लॉक रहने दो खुद के पास। और ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करना है, मैं भूल गया। और क्या हालचाल? एकदम बढ़िया आदित्य, डीपी तो एकदम मस्त है। ओ माधो टूरुला। पेंस ले लियो, यहाँ पर फेंस लगा और आ जाओ। अरे टूट जाओ, देखो देख रहे हो मैजिक। अरे ये रसल एंड गेमिंग पे होता है। वो बग निकाल लेता है ढूंढ के। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फिलहाल के लिए यहाँ रुको। चलो, वो हो नजारा, नजारा। आपका पीसी प्रोसेसर भैया से भी पावरफुल है। अच्छा, ऐसा बात है? अरे अरे, हाँ मैंने 3-4 सालों की शिद्दत से खरीदा है ये पीसी। बहुत सेविंग करके, पुराना पीसी सेल करके, मेरा लैपटॉप सेल करके। ये बात है। रीजन 5 भी बढ़िया है वैसे। गेम वगैरह चलाने के लिए रीजन 5 भी बढ़िया है। मैं तो रेजन 5 ही लेने वाला था, लेकिन एन वक्त पे मुझे रेजन 7 मिल गया मेरे बजट में, तो मैंने ले लिया। इतना ऊंचा हो गया रे बाबा, इसीलिए मैंने डर्ट लाया। यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो परसर भाई क्या करते हैं? गेमिंग, उनका क्या गेमिंग चैनल है? चलो, निंजा हथौड़ी बनने का टाइम आ चुका है। पेड़ के ऊपर से मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के पेड़ तोड़ूंगा। ये तो नीचे से तोड़ सकता हूँ। रुको, ये मैं ये नहीं करते, ये इससे तो। सो आप मल्टीप्लेयर गेम्स स्ट्रीम करते हो? हाँ, मल्टीप्लेयर भी खेलता हूँ, लेकिन बहुत कभी कभार ही खेलता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लेयर फिर अकेले खेलना पड़ता है। सोलो कोई अगर खेलने के लिए साथ में हो तो मज़ा आता है, है कि नहीं? मल्टीप्लेयर का तो वही मज़ा है। अगर आप सोलो खेलोगे तो कब तक खेलोगे? तो खेलता हूँ, कभी कभार खेलता हूँ, मुझे पसंद भी है। वैलोरेंट भी खेलता हूँ, पबजी भी खेलता हूँ। अभी कभी, अभी कुछ दिनों पहले मैं तो एपेक्स लेजेंड भी खेल रहा था। बहुत मुझे हर तरीके का गेम पसंद है, ऐसा नहीं कि कोई एक कैटेगरी का। मुझे स्टोरी मोड गेम पसंद है, मुझे मल्टीप्लेयर पसंद है, मुझे मिस्ट्री गेम पसंद है, एडवेंचर गेम पसंद है, पजल गेम पसंद है, जो कि इंडी गेम होते हैं प्यारा प्यारा। अब स्टोरी मोड गेम खेलना मैं स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उतना मेरा वॉचिंग नहीं आता है, तो एक दो ही बंदे देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए स्टोरी मोड गेम अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ। थोड़ा वॉचिंग आ जाए फिर स्टोरी मोड गेम भी खेलूंगा, बढ़िया बढ़िया स्टोरी मोड गेम खेलूंगा, एकदम स्वाद आ जाएगा।
एकदम बढ़िया होगा। तो वही बात है, तो वैसे क्या हालचाल? माइनक्राफ्ट का न्यू अपडेट आया है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, मजा आ रहा है खेलने में। मतलब एकदम एक टाइम तक मेरे पास सब कुछ था, आयरन फार्म भी बना लिया था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बनाना पड़ रहा है फिर से। मतलब इसका एक अलग ही मजा है। किमर्थ है, स्टोरी गेम भी खेलते थे बट उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा था, उन्होंने 2021 को डेडलाइन सिलेक्ट किया है, अगर ग्रो होगा तो नाइस वरना जॉब। ओह हाँ, जॉब तो सही है, जॉब तो नेसेसरी है, वो मैं भी अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन यूट्यूब को बंद मत करने बोलो उन लोगों, उनको उनसे अगर मेरा बात हो पाए बढ़िया तरीके से तो मैं भी बोलूँगा उनको, मतलब जॉब करे वो, लेकिन यूट्यूब को बंद मत करें, क्योंकि जितना भी टाइम दिए हैं अभी तक उनका कोई मतलब नहीं बचा रहेगा। जॉब करें और यूट्यूब के ऐसे साइड में हॉबी जैसा रख ले, रेगुलर नहीं करना है वीडियो डाले, रेगुलर स्ट्रीम नहीं करना है, वीक में एक एक दो बार स्ट्रीम करेंगे फिर भी चलेंगे, लेकिन वीडियो वगैरह अगर डालते रहेंगे तो चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल का ग्रोथ भी चलते रहेगा और जॉब भी चलते रहेगा, और अचानक कोई बूस्ट मिल गया जिससे एकदम भयंकर सब्सक्राइबर बढ़ गए और एकदम खतरनाक वाला सीन हो गया, तो तब आप वो तब वो सोच सकते हैं जॉब छोड़ के यूट्यूब को कंटिन्यू करें या फिर उसको साइड में ही रखते हैं हॉबी जैसा। तो भैया वैसे कितने साल से हैं वो यूट्यूब में? ट्वीट नहीं करेंगे, स्ट्रीम नहीं करेंगे, कभी कभी वीडियो डालेंगे, हाँ वो करेंगे, वो करना चाहिए, बढ़िया होगा, चैनल का ग्रोथ भी नहीं रुकेगा, चैनल का जो एनालिटिक्स है वो भी सही रहेगा, और अपना जो यूट्यूब का हर किसी का सपना होता है वो भी रहेगा, और जॉब भी कर पाएंगे तो वो कर सकते हैं। 5 साल से है वो, 5 साल से यूट्यूब कर रहे हैं वो, उनका कितना सब है, आई मीन 6 साल से, 6 साल से कर रहे हैं, बहुत ही पुराने मेंबर्स हैं यूट्यूब के, इतना टाइम उसमें दिए हैं तो मतलब सही है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर परस्तर भाई मल्टीप्लेयर गेम खेलना चाहते हैं तो बताना, हम भी खेलेंगे फिर, दो क्योंकि 2-3 बंदे एक साथ खेलते हैं तो व्यूअर्स ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं और व्यूअर्स ज़्यादा स्ट्रीम भी देखते हैं, तो उससे उनका भी जो ये है बढ़िया होगा।
कभी कभार क्या होता है, कोई अकेला खेल रहा है और अगर वो चुपचाप बैठ जाए, गेम में ध्यान दिया हुआ है, तो बोरिंग हो जाता है, तो व्यूअर्स रुकता नहीं है, वो चले जाते हैं। एमडी अरीज, अरे शाउट आउट टू यू एमडी अरीज, वेलकम 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 टू द लाइव स्ट्रीम। तो आदित्य, वो परसर भाई का कितना सब है, तो मुझे पता नहीं है, आप बताओ। वेलकम गाइस, जो जो भी स्ट्रीम में आ रहा है सभी का स्वागत है, एकदम ही ऑसम हो। अरे लव यू टू ब्रो, लव यू टू, आप सभी ऑसम हो एकदम, मैं आयरन आयरन मैन वाला, लव यू 3000। तो मैं ले लेता हूं ताकि मेरे ट्री फार्म में काम आए। अरे एक शोवल घर में है, कोई बात नहीं, मैं वो लेता था। अरे धैर्य, उनको मेरा नाम क्या धैर्य है, बोल मत। धैर्य दिख रहा है, हाँ धैर्य दिख रहा है ना इसमें। मतलब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, मतलब क्यों धैर्य, क्या कर लिया आपने आपके नाम के साथ, सही तो है, पहले भी जैसे दिखता था ऐसे भी वैसे ही दिख रहा है। धैर्य एफ एफ, हाँ वही दिख रहा है। अरे बेड में कहाँ रख के आ गया, अरे मेरा बेड कहाँ रख के आ गया मैं। अरे आप उनसे डिस्कॉर्ड पर बात कर सकते हो, मैं आप मुझे ये कर दो, मेरे डिस्कॉर्ड में मुझे उनका डिस्कॉर्ड का ये डीएम कर दो, लिंक डीएम कर दो, चैट में दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा अभी, तो फिर मैं मुझे मिलेगा नहीं। आप मेरे डिस्कॉर्ड में देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां से आप मुझे डीएम कर दो, मैं वहां से ज्वाइन करके उनसे बात कर लूंगा। अरे 30 लाइक्स, ओपी 30 लाइक्स हो चुके हैं गाइस, 30 लाइक्स हो चुके हैं, अरे रे 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 थैंक यू गाइस, 30 लाइक्स बड़े दिनों बाद हुआ है 30 लाइक, ऐसा लग रहा है कि मतलब सदियां हो चुका था। क्या करना है भूल गया मैं, अच्छा ये एप्पल को रखना है। क्या नाम है आपका डिस्कॉर्ड पे, मेरा डिस्कॉर्ड पे नाम है रसोलेन, ओनली रसोलेन। अब उसके बाद में जो हैशटैग देके जो कोड है वो तो याद नहीं है मुझे। आप मेरे सर्वर में ज्वाइन कर लो, वहां पर दिख जाएगा मेरा मैसेज, मैं बीच में चैट में मैसेज करता हूँ, जनरल चैट में दिख जाएगा। मेरा डिस्कॉर्ड उतना ओपी नहीं है, एकदम ही सिंपल है। चलो वहां पर और जितना गिरा हुआ है वो उठा के लाते हैं और पीछे का काम शुरू करते हैं, क्योंकि स्टोन तो है हमारे पास अच्छा खासा, लेकिन हमारा ट्री फार्मिंग का एरिया बनाना पड़ेगा, वो जरूरी है।
मुझे लगा और दो तीन एप्पल मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे कॉर्नज, आजकल बहुत बिजी रहते हो, क्या हाल है? गेम खेलने नहीं आते हो आज साथ, आजकल साथ में? क्या बात हो गया ऐसा? क्या बात हो गया? पहले तो एक बार में राजी हो जाते थे कि अरे आओ क्या खेलने, अभी आ जाता हूँ, अभी इतना बिजी क्या हो गया? हाँ शॉवल बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ। अरे शॉवल बना लेते हैं क्योंकि दो से ज्यादा ही शॉवल लगने वाला है। तो क्या हाल है, कैसे हो? स्कूल खुलने वाला हमारे यहाँ, बस उसकी गम में डूबा रहता हूँ। गम में डूबा रहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्कूल का भी अपने ही मजे हैं। ये तब याद आएगा जब आप स्कूल से निकल जाओगे, कॉलेज वगैरह में जाओगे, तब याद आएगा स्कूल का। तब आपको लगेगा अरे स्कूल का भी वो क्या दिन थे, अगर वापस मिलता तो बढ़िया होता। का नाइट्रो नहीं लिया आपने? नहीं वो 3 मंथ का है ना, तो उससे मतलब कुछ फायदा भी होगा, मतलब जो भी उस नाइट्रो लेके जो करूंगा तो वो 3 मंथ के बाद तो हट ही आएगा ना, जो भी करूंगा उससे अपना सर्वर में। मतलब पता नहीं है मुझे उतना डिस्कॉर्ड के बारे में, तो वही तो चलो ये ट्री भी तोड़ दिया, तो ये ट्री अभी के लिए नहीं तोड़ते, अभी यहाँ पर जगह बनाने वाले हैं। तो ये फूल वगैरह तो सब मिल जाएगा मुझे। अरे ब्लू कलर का बेड बनाना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, मस्त लगता ब्लू कलर का बेड आ रहा है। 3 मंथ का फ्री फायदा उठा लो, आप मुझे मॉड बना दो, मैं कस्टमाइज कर दूंगा। अरे अभी मतलब अभी जरूरत नहीं है कस्टमाइज करने के लिए, मुझे ऑलरेडी 8-10 बंदे बोल चुके हैं कि आप मुझे बोलना मैं कस्टमाइज कर दूंगा। तो मैंने बोला कि अभी तो नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूंगा, वो कोई इशू नहीं है। डिस्कॉर्ड का जो नेसेसरी काम है वो हो जाता है, जितना चैनल मैंने बना के रखा है तो उसको मैं कस्टमाइज कर लूँगा। तो थैंक यू बोलने के लिए। तो सोहेल ब्रो मेक वीडियो, आई सेड यू, वेयर इज इट? हाँ मैं बना रहा हूँ, वीडियो बनाऊँगा, पहले रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा ना। कल का मेरा शॉर्ट्स का वीडियो देखा सोहेल? देखना अगर नहीं देखा हो तो। कल मैंने एक शॉर्ट छोड़ा था, वही है मैं बनाऊंगा, अभी नहीं। ऑलरेडी मुझे 8-10 बंदे बोल चुके कि मैं बना दूंगा, तो मैंने उन्हें भी सेम ही बोला है कि अभी नहीं बना रहा हूं, मैं बनाऊंगा बाद में। पबजी क्यों नहीं खेलते? पबजी तो बैन है ना ब्रो, इसीलिए। पबजी मोबाइल के बारे में बोल रहे हो शायद?
अगर पबजी पीसी के बारे में बोलते हो तो मैं पबजी पीसी खेलता हूँ, कभी कभार ही खेलता हूँ, क्योंकि उतना कोई पसंद नहीं करता है पबजी पीसी को। और पबजी मोबाइल के बारे में बोल रहे हो तो वो तो बैन है, अनबैन होने दो, और तो कुछ ही दिन बाकी है, आने वाला है हमारा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, खेलेंगे आप लोगों के साथ भी खेलेंगे। टोक्यो ड्रिफ्ट आपके मीडिया शेयर एंड मीम शेयर वाला चैनल बना देना, अरे एकदम फुल कस्टमाइज कर दूंगा, एकदम एकदम प्रो वाला, प्रोफेशनल वाला, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे सिंपल रखा हूँ, तो बहुत कुछ होने वाला है तो कर दूंगा, सब कर दूंगा, सब कर दूंगा, एकदम प्रो वाला, ठीक है। BGMI, ओ यह आने वाला है BGMI, खेलेंगे एकदम मस्ती करेंगे और आप लोगों के साथ भी खेलेंगे। और तो आज तो कितना तारीख हो गया, आज 14 तारीख है, बस और 3 दिन, क्योंकि 18 तारीख को आने वाला है बूम बम बीम बा वही तो BGMI आने वाला है। वैसे परसर भाई बेडवार सबके साथ खेलते हैं, आप उनके बात कर रहे हैं, फिर दोनों एक साथ बूम बाम बीम करेंगे। हाँ मुझे भी बेड वार खेलना है, तो करते करते खेलेंगे 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 बड़ा है। फिर से नाम चेंज कर लिया, अरे क्या या ये दूसरा वाला चैनल है, क्योंकि दो चैनल है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतना बार आप नेम चेंज कर चुके हो, अब कंफ्यूज हो गया हूं मैं। नहीं वही वाला, अच्छा ये दूसरा वाला चैनल है, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है फिर ठीक है, मुझे लगा फिर से एक दिन में दो नेम चेंज कर डाला। यहां से गड्ढा करने वाले हैं, सर नेम सर्च करने पर यही वाला आता है। ओ अरे नेम आ जाएगा, टैग वगैरह अगर लिख दोगे सही से, आप कुछ भी नेम टाइप करो आपका चैनल का नेम आएगा। आपको आप जो वीडियो छोड़ते हो उसके डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का नेम एक आधा बार दे देना है, फिर आपको आपके अब चैनल के अबाउट सेक्शन में आपका चैनल का नाम देना है, और कुछ वीडियो या लाइव स्ट्रीम करोगे उसके एंड में आपके चैनल का नेम लिख देना है। जैसे मैं पहले करता था कि माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट कैसे लिख दिया कोई टाइटल, फिर लिख दिया रसोलेन गेमिंग लाइव, ठीक है। देखना मेरा पहले दिनों का वीडियो में रसोलेन गेमिंग लाइव ऐसा मैंने वीडियो के एंड में लिखता हूँ, तो ऐसे आपका 5-10 वीडियो अगर हो जाए तो वो वीडियो आपका चैनल का नेम ऊपर लाने के लिए मेहनत वो करते हैं। ये फैक्ट है, अभी नहीं मैं करता हूँ क्योंकि 5-10 वीडियो हो चुका है, वैसे मेरे चैनल का नेम है वीडियो में ऐसा हो चुका है। और चैनल में क्रिएटर स्टूडियो में जाओगे यूट्यूब के, वहां पर सेटिंग में जाके जो चैनल का वहां पर टैग लिखने का जगह हुआ है वहां पर टैग लिखना, सही स्पेलिंग लिखना, गलत स्पेलिंग लिखना, क्योंकि अगर कोई गलत स्पेलिंग भी लिखेगा तो आपका चैनल आ जाए। तो ये कुछ कुछ चीजें है, ट्रिक्स है, ये सब करोगे तो हो जाएगा। अरे कॉर्नर समझो तो ये 1.17, हाँ इसीलिए तो बिना सेडर का खेल रहा हो, ये 1.17 है।
बना वीडियो 1 मिलियन सब वर्क करेंगे करेंगे शोएल, वो वीडियो भी करेंगे। आपने जो प्लान दिया एकदम प्लान मुताबिक काम होने वाला है। तो जस्ट गेमिंग हेलो 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 जिक्स गेमिंग हेलो वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। मोबाइल में मतलब कितने नीचे पर है ये कैसे देखें? मोबाइल में तो मुझे पता नहीं है, मैं पीसी में खेल रहा हूँ, उसमें तो F3 दबाने से दिखाता है। अब मोबाइल तो पता नहीं, देखो चैट में कोई अगर पता तो कोई बता देगा, अगर मुझे तो पता नहीं है। वैसे वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, कि मैंने पॉकेट एडिशन में कभी नहीं खेला है, कभी नहीं। मैंने माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट ही किया है ये इससे क्या बोलते हैं इसे जावा से। क्या बना रहे हो इसमें? यहाँ पर थोड़ा जगह बना रहा हूँ, यहाँ पर ट्री फार्मिंग करूँगा, ट्री फार्मिंग, ताकि मुझे दूर दूर जाके और ये जो नेचुरल ट्री हुआ है ये सब तोड़ के मुझे वुड कलेक्ट करना ना पड़े। और ठीक है तो मैं वुड फार्मिंग कर पाऊँ। हेवी ड्राइवर ओपी, अरे कॉर्नज 11XYZ में डायमंड मिलता है ना? XYZ नहीं, XYZ तो तीनों बता दिया आपने। Y11Y जो बीज वाला होता है वही आपका लेवल होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पर देख सकते हो 65 है, अभी अगर मैं यहाँ पर चढ़ा तो 66 हो गया, यहाँ पर 67 हुआ, तो जो Y होता है वो होता है 11। हाँ कोई बोलता है 11 में मिलता है, कोई बोलता है 12 में मिलता है, कोई बोलता है 10 में मिलता है, लेकिन मेन जो बात है वो है 5 या 6 से ऊपर में आपको 14-15 ब्लॉक के बीच में मिलता है। मतलब ये 10 का जो गैप है, मतलब 5 से 15, अब इसको कम कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो आप 8 से 14 या 13 ये इसमें भी सर्च कर सकते हो, मतलब इनमें मिलता है, ऐसा नहीं है मुझे 11 में मिलता है, मुझे 13 ब्लॉक में भी मिला है कभी कभार, शायद 14 ब्लॉक में भी मिला है, और लोएस्ट 5 ब्लॉक तक मिलता है। अरे क्या बद दबा दिया मैंने, ठीक है। तो आप माइनिंग पे क्यों नहीं जा गए? जाऊंगा माइनिंग में, देखता हूँ ये अगर ट्री फार्मिंग का एरिया बन जाए जल्दी जल्द से जल्द तो आज थोड़ा सोच रहा हूँ माइनिंग पे भी जाऊँ, क्योंकि डायमंड ढूंढना है, क्योंकि मुझे एन्चेंटिंग टेबल बनाना है। अब एन्चेंटिंग टेबल के लिए तो डायमंड तो ज़रूरी है ही है, तो देखते हैं। तो चलो भैया नाइस टू मीट यू, सर्वर में लिंक आ रहे, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया बढ़िया, मैं देख लूंगा आदित्य, चलो बाय। मोबाइल में देखना है, वही तो मुझे पता नहीं है मोबाइल में कैसे होता है, समझ रहे हो? जेक्स गेमिंग और हेलियो एक्सपोन गेमिंग, हेलियो हेलियो क्या हाल है? अरे डिट्रॉइट मिल गया, ये सारा डिट्रॉइट में है, यहाँ से खोद डालूंगा, क्योंकि डिट्रॉइट से मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, रिवील नहीं करूंगा अभी, माइनिंग कर दूंगा मैं, भाई साहब भगवान बियॉन्ड बिलीफ फाइनल का लेटेस्ट वर्जन आया है, लेकिन ऑप्टिफाइन सॉफ्टवेयर ही तो नहीं आया है, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? समझ रहे हो?
थोड़ा थोड़ा पानी पी लेता हूँ। माइनक्राफ्ट पसंद आ गया। ओ हो बढ़िया 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 जेक्स गेमिंग, माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट बढ़िया है। जो खेले हैं वही जानते हैं, जो नहीं खेले वो यही बोलते हैं अरे ये क्या खेलते हो, ब्लॉक ब्लॉक जैसा तो ये गेम है। वो खेलने के बाद बोलते हैं अरे क्या खिलवा दिया मुझे, माइनक्राफ्ट सबसे बढ़िया लगता है। सिर्फ एक ही लेना क्योंकि समझा ही नहीं कर्नज क्या बोल दिया आपने, ऐसा लगा मैं पढ़ना भूल गया। अरे यार मेरा नेट गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वेलकम गाइस, जो जो भी स्ट्रीम आए लाइक दबा दो बड़ा बूम। अरे सर मुझे कुछ बेसिक चीज बताओ, आई एम बिगिनर। बेसिक चीज तो पता है ना आपको, पहले घर बनाना है छोटा सा ताकि रात में आप वहां पर बेड लगा के सो पाओ, वरना ज़ॉम्बी आके उठा के लेके जाएंगे। रिसोर्सेस पहले खतरनाक तरीके से इकट्ठा मत करो, जो जरूरत है पहले वो इकट्ठा करो। जैसे कि आप, जैसे कि मैं यहाँ पर व्हीट लगा आया हूँ, व्हीट से आप ब्रेड बना सकते हो, सबसे इजी फूड, सबसे इजी। आपको एनिमल मारना नहीं पड़ेगा, उसको पकाना नहीं पड़ेगा, और वीड भी ढूंढने का सबसे इजी। आपको विलेज भी नहीं मिला, आपको आप सोच रहे हो सीड कहां से मिलेगा, अरे ग्रास तोड़ो है, ग्रास तोड़ो, जितना भी ग्रास देख रहे हो तोड़ो। आपको ये देखा सीड मिल गया, मुझे सीड मिल गया। अब ये सीड को ठीक है, और आप सीड को प्लांट कर दो और आपका वीड उग जाएगा और आप ब्रेड बनाओ, तो फूड का इजीएस्ट रिसोर्स ये है। ठीक है, और बताओ और किस चीज में प्रॉब्लम है, मैं इजीएस्ट वे सबसे बढ़िया बता दूंगा। आपको फर्नेस नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक क्राफ्टिंग टेबल काम खत्म, पैसा हजम। वही तो आयुष, वही मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रहा है ये बंदा। बूम हेडशॉट हो चुका है एक्सपॉन गेमिंग की तरफ से। तो मैं मेरे घर से दूर चला गया था, घर किधर है समझ में नहीं आ रहा। अरे कोऑर्डिनेशन देख लेना था ना, जैसे ऐसे मैंने इसको ओपन कर लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दिया। ठीक है, ऐसे आपको स्क्रीनशॉट लेके रख देना है अगर आप याद नहीं रख सकते तो। और या फिर आप ऐसे जगह पे घर बनाओ जो कि आपका डिफॉल्ट स्पॉन लोकेशन से करीब हो, यानी गेम में स्पॉन होने के बाद आप जहां पर स्पॉन होते हो उसके करीब बनाओ घर। जैसे कि इस वर्ल्ड में मेरे ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जो पिछले वर्ल्ड में था, कि मेरा जो डिफॉल्ट स्पॉन लोकेशन था उससे मेरा घर बहुत दूर था, और मैं जब भी बेड में रिस्पॉन पॉइंट सेट बिना किए मर जाता था, बहुत दूर मुझे ट्रेवल करना पड़ता था। लेकिन इस वर्ल्ड में इतना लकीली इतना बढ़िया जगह मिला, मैं जैसा एक क्लियर लैंड ढूंढ रहा था क्लियर लैंड भी मिला, और मेरा स्पॉन लोकेशन पास में ही है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे घर बनाओगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, और पूरी तरीके से आप घूम गए तो फिर तो और क्या बोलूं। और अगर आपको क्रिएटिव मोड में जाने से कोई मतलब नहीं है तो आप क्रिएटिव मोड में जाके ढूंढो घर। ये मीम वाला कैसे किया, ये स्टीम लैब से करते हैं, जो पॉइंट सिस्टम है उसको इनेबल करना पड़ता है, फिर वहां पर एक स्टोर सिस्टम रहता है, वहां पर आपको
खुद मीम वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि ये मीम मैंने क्रिएट किया, यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह से डाउनलोड किया, इसको प्राइस रखा, इतना कॉस्ट लगेगा, वो सब आपको खुद सेटअप करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन कर लोगे तो ऐसे आपका व्यूअर इंजॉय करेंगे। ठीक है, कॉर्नोज को इतना हंसी क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कॉर्नोज को किसने लाफिंग गैस सुंघवा दिया, ये क्या है इतना हंसी। अरे बिग फैन, शाउट आउट प्लीज कॉर्नोज। अरे याद रखा था, रख सकता हूँ, बट ये एंड्रॉइड में कैसे देखते हैं वो मुझे नहीं मालूम है कि एंड्रॉइड में कोऑर्डिनेशन कैसे देखते हैं। वो जो खेलते हैं उन्हें पता, गूगल कर लो ना, इजी पीजी, क्योंकि मैंने एक बार भी नहीं खेला, तो जो पता नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। तो अरे ऊपर से तोड़ के आता हूँ, फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, रुको। फिर से डर्ट और इतना मिलने वाला है, कोई बात नहीं, ये सब काम में आ जाएगा। तो समझ रहे हो, मार्केट प्लेस नहीं, वहां पर स्टोर करके लिखा रहता है स्ट्रीम लैब में, समझ रहे हो। तो मैंने सब कर दिया, अगर मैं माइनक्राफ्ट में लाइव आऊंगा तो आप क्या रे। थैंक यू जिक्स गेमिंग, थैंक यू फॉर सब। संतोष कुमार, अरे थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग गाइज, आप सभी ऑसम हो, एकदम ही ऑसम। हेलो, मैं सचिन, सचिन आइला सचिन, वेलकम संतोष कुमार, आपको शाउट आउट प्यारा वाला। इसमें कोऑर्डिनेशन समझा नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का हो गया, मतलब बताओ सही से, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो ब्रो गो टू सेटिंग एंड टर्न ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ऑफ है ना, ये ऑफ है या ऑन है, ये ऑफ है ऑन है, तो क्या हो गया इसमें। सेटिंग में जाने का कोई जरूरत तो नहीं है, मतलब समझा नहीं सोहेल क्या बोलना चाह रहे हो। वॉचिंग टाइम बाकी है, वो तो मैंने देखा नहीं, बहुत होगा अभी तो, इतना ही हमारा सभी उतना नहीं है, तो वॉचिंग कितना टाइम आएगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, शायद इस साल में भी हो पाएगा कि नहीं उसका ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं उतना इसीलिए नहीं सोचता हूँ। तो जब अच्छा खासा वॉचिंग आ जाएगा तब खुद ब खुद मोनिटाइज करने लायक ये भी हो जाएगा, तो अभी तो उसके उसको लेके सोचता भी नहीं हूँ, तो क्योंकि अभी मोनेटाइज करने लायक पिद्दू भर का भी वॉचिंग नहीं हुआ होगा। किनको बोल रहे हो, उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन ही कहते हैं ना एक्स वाई जेड को। कोऑर्डिनेशन ही कहते हैं, मुझे तो जितना पता है तो मतलब यही होता है। अरे
अच्छा मैं एंड्रॉयड में शायद आपको सेटिंग में जाके ऑन करने होता है, ये सुहेल बोल रहे हैं। अच्छा तो आप देख लो, सेटिंग में जाके शायद आपको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने वही बता रहा था, आप चैट में पूछोगे कोई ना कोई बता देगा, क्योंकि बहुत कोई खेलते हैं, जानते हैं, एकदम बड़ा बूम तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइनक्राफ्ट के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे बता देना, एकदम बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, सस्ते में एकदम बढ़िया फायदा करवा दूंगा। तो जैसे कि फूड का मैंने बता दिया, वैसे ही कुछ कुछ चीजें मुझे पता है, बता दूंगा एकदम बेस्ट सॉल्यूशन फूड का। तो इंचेंटिंग वगैरह करना पड़ेगा शुरुआत से, मतलब सोच रहे हो एकदम शुरुआत से, कुछ जादू कर दो यार, टूल एक दो महीने के लिए बंद करवा दो। ओ भाई इतना दिन तो बंद था, और महीना बंद चाहिए। ओ भाई देख लो, यही होता है, सीड्स लगा के दिखाओ, दिखाया ना सीड लगा के, दिखाया मैंने सीड लगा के, सीड है मेरे पास, रुको घर में कौन जाएगा, रुको अभी एक हो बनाना पड़ेगा आपको, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। और माँ और आप जहां पर लगाओगे वहां पर पानी होना चाहिए, ठीक है, चार ब्लॉक तक पानी होना चाहिए, यानी पानी इस ब्लॉक में है ना, तो यहां से चार ब्लॉक तक पानी होना चाहिए। तो चार ब्लॉक तक पानी होना चाहिए, तो मैं दिखाता हूं। मान लो ऐसा होता है, ठीक है, तो पानी है तो एक दो तीन लगाया, आप इस ब्लॉक तक भी कर सकते हो, क्योंकि पानी चार ब्लॉक तक इफेक्टिव रहता है, पांचवा ब्लॉक से इफेक्टिव नहीं रहता है। तो आपको हो लेना है, ऐसे कर देना है और सीड ऐसे लगा देना है, बस सिंपल। अब ये कुछ टाइम लगेगा, 10 मिनट लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है, वो थोड़े देर बाद ऐसे उग जाएगा, एकदम प्रॉपर ऐसे येल्लो हो जाएगा तो समझना उग गया, थोड़ा थोड़ा ग्रीन रहेगा तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉपर ये येल्लो हो जाएगा तो आप तोड़ोगे तो आपको ये वीट मिल जाएगा। और ये वीट लेके क्राफ्टिंग टेबल में आओ और ब्रेड टाइप करो और बना लो जितना ब्रेड ब्रेड बनेगा, बस ये हो गया ब्रेड। और ये ब्रेड आप खाओगे, एकदम बढ़िया तरीके से आपका फूड का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और सीड भी मिलना आसान है, कोई मतलब कहीं पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये ग्रास तोड़ने से सीड मिल जाता है। और एक बार सीड मिल गया, मतलब ये तोड़ूंगा तो मुझे सीड भी मिल रहा है, देख रहे हो, दो सीड मिल गया, मतलब फिर सीड भी और ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक बार अगर आप प्लांट करके तोड़ोगे तो उससे वीड भी मिलेगा और सीड भी मिलेगा, इजी। ठीक है, तो यही बात है। ओहो ऐसा बात है क्या, बढ़िया बढ़िया सोहेल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर पबजी फ्री का भी लाइव कर लो, क्या पता लाइव में वाचिंग आए। पबजी फ्री फायर ऐसा बोल रहे हो क्या, पबजी तो बैन है, फ्री फायर तो मैं करता हूँ, बीच बीच में खेलता हूँ, और पबजी तो अनबैन होने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि हमारा पबजी BGMI होके आने वाला है, तो जो बगमी आने वाला है BGMI, तो खेलेंगे, आने दो, अनबैन होने दो,
हेलो तन्मय, हेलो हेलो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जेक्स, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछ लेना, मैं मुझे पता होगा तो एकदम शानदार तरीके से इजीएस्ट वे में बता दूंगा। अरे बेड का है, सो जाओ। अरे तन्मय, हेलो हेलो, कैसे हो तन्मय? बहुत बिजी रहते हो आजकल, बहुत बिजी रहते हो आजकल। लो करली कांड आयो रब्बा, एक सेकंड रुकना गाइस, माइक पे तो नहीं गिरा? नहीं माइक पे नहीं गिरा। अरे यार पानी गिर गया, सही है, ठीक है अभी ठीक है। मल्टीप्लेयर नहीं, ये सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है, कोई एसएमपी या मल्टीप्लेयर सर्वर तो नहीं है। तो वेलकम वैसे आपको असोलन गेमिंग में, तो ये सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है। तो ब्रो बाद में ये कल आऊंगा ना, मैं रेगुलर लाइव तो करता हूँ, कोई बात नहीं। अब जब माइनक्राफ्ट खेलूंगा आ जाना, बढ़िया बढ़िया चीज सीखने को मिलेगा अगर आप बिगिनर हो तो। वही है, सॉरी यार मैं पुश कर रहा हूँ। ग्रैंड मास्टर बन रहे हो रसोलेन, क्या करेगा आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर बनने की कोशिश, ठीक है। तन्मय मौर्या ग्रैंड मास्टर, ओ माय गॉड, मेरे सर्वर ज्वाइन करोगे? साथ में खेलेंगे, अभी खेलेंगे, खेलेंगे अभी नहीं, मैं खेलूंगा किसी के सर्वर में ज़रूर खेलूंगा, तो तब मैं बोलूंगा तो आप ज़रूर बताना कि आपके सर्वर में भी खेल सकते हैं, तो ज़रूर फिर खेलूंगा, ठीक है। तो अभी नहीं, बाद में, ये तो सिंगल प्लेयर वर्ल्ड का शुरुआत है, फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ 1.17 फ्रेश स्टार्ट। मेरे सर्वर, अच्छा तो मैंने पढ़ लिया, यस इंडिया टॉप। ओ भाई साहब बढ़िया बढ़िया, तुषार के साथ तो नहीं कर रहे हो ना रैंक पुश? फिर हो गया, टाटा बाय बाय करता हूँ। वैसे ही तुषार नूब है। तुषार बोलेगा अरे मत बोलो, इरिटेट हो रहा है। ओ अरे यार सही है, हम भी कॉन्करर में जाएंगे, आने दो बग्मी, बिजी है माय। चलो हम भी करेंगे, है कि नहीं? पीसी कब आएगा? पीसी कब? पीसी जल्द आने वाला है आप बोल रहे थे आपके सर्वर में, मैंने देखा, तो कब ले रहे हो पीसी? तो कब ले रहे हो? ले रहे हो, हो। काम करते थोड़ा माइनिंग करते क्या, ये मैं ऑफ स्ट्रीम कर लूंगा। नहीं, माइनिंग नहीं करते,
अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, अभी माइनिंग करने जाऊंगा तो मन करेगा करते रहो तो लेट हो जाएगा। तुमसे ना हो पाएगा मतलब? मैंने पूछा क्या आप बता कह रहे हो? मैंने पूछा आपके सर्वर में, मैंने देखा आपने बताया कि पीसी ले रहे हो, तो कब ले रहे हो? अच्छा 20K शॉर्टेज। माय गॉड, तो वो करो, वो फ्री फायर में स्किन वगैरह क्रेड वगैरह मत नहीं खरीद के वो सेव करो, खुद ब खुद आ जाएगा 20,000। फाइव एम में हो जाएगा। फाइव एम में मतलब ये कौन सा लैंग्वेज? कोई जादुई लैंग्वेज लगता है मेरे को। ये डिट्रॉइट चाहिए मुझे क्योंकि बढ़िया वाला स्ट्रक्चर बनने वाला है इस डिट्रॉइट से। अच्छा 5 मंथ, वो तो बोलो। आई एम बैक, वेलकम बैक। जरूर जरूर 5 मंथ फिर भी बहुत करीब है, मैंने तो 3-4 साल वेट करके फिर लिया था। तन्मय फ्री फायर खेलता नहीं है, उसमें प्रो है वो। ओ भाई तन्मय बोलेगा। ये भी ठीक है। अच्छा तन्मय फिर BGMI आएगा तब फ्री फायर का क्या होगा? तुम बोल रहे हो मैं BGMI खेलूंगा तो फिर तब फ्री फायर नहीं खेलोगे? जैसे कि फ्री फायर अभी रेगुलर बेस पे खेलते हो वैसे क्या करोगे? वही मुझे पूछ रहे। अरे यार लेकिन उस दिन फ्री फायर में मजा ही आ गया था। ओहो 1v3 1v2 क्लच ओपी, क्या मारा था तुषार को पकड़ पकड़ के। तुषार बोल रहा है अरे यार रसोलन ये क्या ही चल रहा है। ओके
व्हाट, ज़ॉम्बी का साउंड आया था? कहाँ है आसपास कोई केव है क्या? तन्मय का लेवल बता दो। तन्मय लेवल क्या है? अभी तो पुश रैंक पुश कर रहे हो, मुझे पता नहीं होगा लेवल में अभी हो। कौन सा लेवल में हो अभी बता दो। अरे रुको, यहाँ पर लगा देते, अब रात भी होने वाला है, सो जाते हैं। अरे विलेजर यहाँ तक आ गया। मेरा अभी 59 है ब्रो। क्यू नॉइस, ये विलेजर इतना दूर कैसे आ गया? मतलब ज्यादा दूर तो नहीं है, इतना दूर तो आ ही सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो। मैं डिट्रॉइट तो रहा हूँ। अरे ऑलमोस्ट फील होने वाला है, घर में मुझे लग रख के आना पड़ेगा। डिट्रॉइट चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में एक खतरनाक बिल्ड बनाने वाला हूँ। देखोगे और बोलोगे अरे ओपसी। और वो दो तीन बना दूंगा। वाटर उठा के दिखाओ, मतलब बकेट बनाओ। आयरन, आयरन जरूरत है उसके लिए, आपको माइनिंग करने पड़ेगा। जैसे कि ये आयरन मिला, रॉ आयरन, इसको आपको फर्नेस में डाल के इसको स्मेल्ट करके आयरन बार बनाना पड़ेगा। फिर तीन आयरन बार से आपको बकेट मिल जाता है क्राफ्टिंग टेबल में। ग्राफिक्स कार्ड में कुछ इश्यू हो गया क्या? शेडर्स, अरे अभी ऑप्टिफाइन नहीं निकला है ना, तो शेडर कैसे यूज करूंगा? ऑप्टिफाइन के बिना शेडर नहीं लगा सकते, इसीलिए एकदम माइनक्राफ्ट का जो बेस वेरिएंट है, जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसा दिखता है वैसा ही अभी दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि शेडर लगाने के लिए ऑप्टिफाइन चाहिए, क्योंकि वो निकला ही नहीं है अभी 1.17 के लिए। तो वो निकल जाने दो, इसमें कोई बात नहीं है। तो वो निकला नहीं है, निकलने दो, फिर शेडर लगा के भी दिखाएंगे ओपी वाला। तब तक ऐसे इंजॉय करते हैं, क्योंकि कभी तो हमने बिना शेडर का खेला नहीं है, तो बिना शेडर का भी थोड़ा इंजॉय करते हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो यही बात है, इतनी जल्दी स्टोन कैसे टूट रहा है? क्योंकि ये स्टोन पिकैक्स है, आपको पिकैक्स बनाना पड़ेगा स्टोन वाला बेसिक लेवल पे। उससे अच्छा आयरन होता है, उससे अच्छा डायमंड होता है, लेकिन इजीली आपको स्टोन पिकैक्स मिल जाएगा, सबसे सस्ता भी है, तो इसीलिए इतना जल्दी टूट रहा है, समझ रहे हो? पिकैक्स बनाओ और तोड़ो, जल्दी टूटेगा। हाँ हाँ, हाथ से तोड़ोगे तो महीने लग जाएंगे। तो पिकैक्स से स्टोन टूटता है और शोवल से डर्ट टूटता है, ठीक है, तो यही होता है। और एक चीज होता है एक्स,
इससे वो वुडन का सामान जैसे पेड़ वगैरह वुड चीजें टूटता है जस्ट लाइक रियल लाइफ, समझ रहे हो? रियल लाइफ में भी स्टोन वगैरह तोड़ने के लिए पिकैक्स का इस्तेमाल किया जाता है और जमीन को खोदने के लिए शोवल इस्तेमाल किया जाता है जस्ट लाइक रियल लाइफ। एग्जी नंबर से घर किधर है देख सकते हो, वहां पर तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, वो सेटिंग में जाके ऑन करना है। सोहेल आपको बताया कि वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेशन अगर याद है तो आप जैसे चलते जाओगे तो वो कम ज्यादा होते रहेंगे, ठीक है? अच्छा कैसा करना है मैं बता दूंगा रुको, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन ऑन कर दिया, अभी मेरा कोऑर्डिनेशन जो है ठीक है, अभी वाई वाला तो नहीं देखूंगा क्योंकि घर ढूंढने के लिए जेड एंड एक्स जरूरत पड़ता है, तो मेरा है 272 एंड जेड वाला है -209, ठीक है 272 -209। अगर मान लो मैं दूर हूं कहीं पर, जैसे ढूंढना है मैं एक सैंपल दे देता हूं, तो घर ढूंढने के लिए जेड और एक्स जरूरत पड़ता है, वाई लेवल वो माइनिंग के टाइम काम आता। मान लो मैं दूर हूं, समझ लो थोड़ा ही दूर आया, ये आपको दिखाई दिया इसीलिए आपको लग रहा है, लेकिन मान लो मैं बहुत दूर हूं ठीक है, फिर आप कहां पर घर कैसे ढूंढू, तो ऐसे ऑन किया और आप किसी भी एक तरफ आपको चलना है ठीक है। मुझे याद है मेरा एक्स जो था वो 272 था या 279 ऐसा सब कुछ था, और जो जेड था वो था -209 ठीक है। अगर मैं इधर चल रहा हूँ तो देख रहे हो जो जेड है, कोई एक चीज पहले आपको मिलाना है, तो मैं पहले जेड मिला रहा हूँ ठीक है, राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला देखते हैं। इधर जा रहा हूँ तो देख रहे हो ये कम हो रहा है, तो ये कम नहीं होना चाहिए, मुझे 209 तक पहुंचना है, तो यहाँ पर कम हो रहा है तो इधर नहीं जाना है, फिर इधर मैं जाता हूँ, इधर जा रहा हूँ तो स्लो बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है, और इधर जा रहा हूँ तो नहीं बढ़ रहा है, और अगर इधर जा रहा हूँ तो देख रहे हो कितना तेजी से बढ़ रहा है, मतलब तकरीबन इस एंगल पे मुझे चलना है, तो मुझे तकरीबन इस एंगल में चलते हैं 209 तक, तो इधर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, 267 हो गया, 170 हो गया, 160 हो गया, 170 हो गया, ठीक है 180 हो गया, ओके ओके, 192 हो गया, सही है सही है, 195 हो गया, तो मैं आ गया 209 ठीक है। यहाँ पर तो मेरा विलेज नहीं है, अभी करना है दूसरी वाला जो था मेरा एक्स वाला जो था 270 समथिंग था ठीक है, मैं 270 पकड़ता हूँ, अभी मुझे इसको 209 रख के उसको मिलाना है, तो इधर अगर मैं जाता हूँ तो ये बढ़ रहा है, मुझे कम करना है, 365 है, इसको कम करना है 270 के करीब करना है, तो मुझे मान लो मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर कम रहा है ठीक है, इधर कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो Z है वो बढ़ गया है, तो मुझे उसको 209 पे ही रखना है ठीक है, तो ये 209 पे रख लिया, मतलब यहाँ पर इस एंगल पे मुझे रखना है। देखो यहाँ पर मैं अगर आगे पीछे जा रहा हूँ तो X कम हो रहा है, Z कम नहीं हो रहा है, मतलब मुझे इसी एंगल पे इधर चल रहे हैं, तो मैं इसी एंगल में जाना है, ओके 270 में जाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर आ गया 270 के पास, तो आपको बड़ा बूम करते हुए घर मिल जाएगा, समझिए एक चीज को मिलाओ दूसरे चीज को मिलाओ बड़ा बूम कर दो, ओके। अरे कॉपर, माय गॉड, कॉपर ले लो, फ्रेंड्स नया ब्लॉक है ये, अरे इतना कॉपर, नीचे केव तो नहीं है, अरे जगह नहीं है, क्या फेंकू, अरे कुछ फेंकना पड़ेगा, रुको रुको मैं काम करता हूँ जल्द, जी से घर से घूम के आता हूँ, चीजें रख के आता हूँ ठीक है, यही करना है, इतना ज्ञान, अरे
वही है ना। क्या पसंद आ गया? हाँ, 2 रुपये में एक चाहिए। हाँ 2 रुपया सुन के कान खड़ा हो गया मेरे पास आ गया। हाँ 2 रुपया सुन के कान खड़ा हो गया। चलो बाय 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 ब्रो, डू इट बाय। ये लाइब्रेरियन है क्या? पता नहीं, शेडर में अलग ही लग रहा है, मतलब शेडर निकाल के अलग ही लग रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए पेड़ वगैरह रखते हैं क्योंकि हमारे पास और पोल यहाँ पर रखना है और ठीक है। आज इतना स्टडी कर लिया कि कल के क्लास अटेंड करना है क्यों सर? वाह वाह भाई, इन्हें देख लो। अरे ये रख दो, एंटीसाइड रख दो, तो जाते हैं फिर जल्दी से जाके सामान लेते। जल्दी मेरा कॉपर मिल गया। कॉपर वैसे पहले मिल चुका है इसीलिए अचीवमेंट अनलॉक नहीं हुआ, मतलब रेसिपी अनलॉक नहीं हुआ। अरे ये कद्दू तो रख देना चाहिए था, कद्दू। अरे पूरा स्टोन रख दिया क्या मैंने? वाह मनहोसा वाली काम तो कर दिया लेके आके। अरे यार बड़ा बूम, और बताओ क्या हाल चाल है? अभी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लोग कद्दू यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर ये चल रहा है, सही सही तो चल रहा है अभी। आ गया, हमें चाहिए कोबल, कोबल द स्टोन आधा दे दो। अरे इसे आधा नहीं उठाते हैं, इसे आधा उठाते हैं। और डर्ट एक ब्लॉक दे दो। वाह 37 नहीं चाहिए, थोड़ा ज्यादा चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, स्टिक है, स्टिक है। मैं डर गया, मुझे लगा घर में रेडर्स घुस आते नहीं है वैसे। लेजर आया ठीक है, मुझे लगा। चैनल कैसा चल रहा है? चैनल तो एकदम रुका हुआ था, आज थोड़ा आगे को बढ़ा। आज एक बढ़िया रेड आया था तो आज थोड़ा आगे को बढ़ा, वरना रुका हुआ था, एकदम बर्फ की माफिक जम गया था। कोई बात नहीं है, ग्रो स्लो, उनके लिए उसके लेके मैं सोचता भी नहीं हूँ, वो तो एक दिन ना एक दिन ग्रो कर जाएगा। अरे मुझे कोबलस्टोन लाना चाहिए था और भी। ठीक है मेरे पास पिकैक्स है, मैं तोड़ लूंगा। हाँ ये वाला ये वाला ये वाला सेक्शन तो मुझे तोड़ना है, तो मिल जाएगा इससे। हाँ जी रेड आया था, तो रेड आया था बढ़िया तरीके से, एकदम स्वाद आ गया था एकदम। ऐसा लगा कि
बिरयानी खा लिया बटर चिकन के साथ. माय गॉड. किसने रेड किया था? वो परासर, परासर करके कोई तो है, परासर वो रेड किया था. मुझे पता नहीं है, आफ्टर सीन देखूंगा मैं उनका चैनल वगैरह कैसा है. तो मुझे एक बात बोलोगे, कितने लोग आए थे? तकरीबन 12-15 का वॉचिंग तो चल रहा था तब. समझ रहे हो, तकरीबन 12-15 का तो वॉचिंग चल रहा है. अरे ये रहा दरवाजा, निकल नहीं पा रहे हो क्या? नहीं, यहाँ पर आएंगे तो ये निकल जाएंगे. ये निकल जाओ. नहीं नहीं, ये वैसे ही नहीं निकल रहा है. यहाँ पर आएंगे तो निकल जाएंगे, कोई बात. तुम आए हो सही है. तुम्हें तो मैं क्या लेने आया था, मैं भूल गया. वो विलेजर आया है, वो सोच रहा है अरे बढ़िया घर है, बढ़िया घर है. उन्हें पता नहीं है मैं ब्रीडिंग फार्म बनाने वाला हूँ, उसमें इसी का इस्तेमाल करने वाला. ओफी, रहो रहो मेरे घर में रहो एकदम. कोई चाय पानी कुछ चाहिए तो बताना, मैं इंतजाम कर दूंगा चाय पानी का. माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में मल्टीप्लेयर कैसे बनी वर्ल्ड, मतलब समझा नहीं. लोग खेलते हैं तो पॉकेट एडिशन से मल्टीप्लेयर खेलते हैं तब खेला जाता है कि नहीं बोल रहे हो? खेलते हैं. अरे क्या बोलते हैं, अटर्नस में बना लो फ्री सर्वर. वो मैटर नहीं करता है मोबाइल वर्सन है कि पीसी वर्सन. आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हो दोस्तों के साथ, इसमें कोई इशू नहीं है. अभी मैंने इधर का तोड़ दिया, ठीक है. अभी मुझे यहाँ का भी थोड़ा तोड़ना है. Yes. इंटरनेट में साइन अप नहीं हो रहा है. ऐसे जीमेल वगैरह दो अपना, वहां पर अकाउंट कर लो, इजी है. तो उसमें जीमेल बनाने से भी इजी है. नहीं, इंटरनेट में तो ऑप्शन भी है, आप क्रैक एनेबल कर दोगे तो आप क्रैक हो पीसी हो कुछ भी खेल सकते हो. और मुझे फिर से कॉपर मिल गया. कॉपर डेकोरेशन ओपी होने वाला है शायद, कॉपर इतना मिल रहा है. ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ इधर कितना तोड़ना है. पता लगा मैं इधर पूरा खोद डाला और सब. तो सही है. नया वर्ल्ड है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है.
ऊपर से तोड़ के आते हैं। इधर भी तो एक मड़ा था, ये रहा। वो भेड़ है, मुझे लगा बकरी है। पब्लिक सर्वर, पब्लिक तो नहीं, प्राइवेट है, और ये सर्वर नहीं, ये सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है। तो ऐसे वेलकम वेलकम VYT, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। वहां से तोड़ना है, यहां से तोड़ना। ठीक है। हे भगवान, उसे क्या गलती हो गई। गुस्सा गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, और नहीं आए इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, आप रैंक वगैरह पुश कर रहे हो, आपका भी खुद का चैनल वगैरह है, तब आप नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अरे ये पेड़, वो भी बोल बोले कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो वैसे कि कौन सी रैंक में पहुंचे वो बताया नहीं, रैंक पुश कर रहे हो। हीरोइक में तो थे ही है आप पिछली। हाँ, यहाँ से इतना तो नहीं जाऊंगा, तकरीबन यहाँ पर एंड कर दूंगा। तो ये पेड़ शायद तोड़ना पड़ जाएगा। तकरीबन यहीं पर ही एंड कर देंगे। तो सो के आते हैं, चलो रात हो रहा है, सो लेते थोड़ा। वाह भाई वाह, नहीं भाई साहब ये आपका बेड है, विलेज वहां है, सो रहे हो यहाँ पर। चलो क्या मतलब, क्या क्या चाह रहे हो गजब, बात करते हो। देखो मैं घर का भी बेड तोड़ देता हूँ, वरना ये वो ये बेड को सोचेगा यहाँ पर सोना है। और बेड नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ तो ये सब मैं रख देता हूँ, ये सब मैं रख देता हूँ। अभी 30 प्लस स्टार और चाहिए, किसके लिए, ग्रैंड मास्टर के लिए। तन्मय बोलो। 30 प्लस स्टार चाहिए किसके लिए, ग्रैंड मास्टर के। 30 प्लस स्टार, एक एक मैच अगर आप जीत गए तो कितना स्टार मिलता है, मतलब एक मैच जीत गया आपको 4-5 किल भी है, ठीक है, और वो मैच जीत गए तो कितना स्टार मिलेगा, एक स्टार। हाय रब्बा। हाँ होता है होता है, पबजी में भी एस लेवल में वैसा ही होता था, मतलब एक दो, अरे मैंने कितना किल किया, मैच जीता एक दो, और माइनस होता है 5-6-10 जब हार जाते हैं। हाँ पबजी में भी वैसा होता है, जैसे कि हीरोइक शायद ग्रैंड मास्टर का पिछले वाला रैंक है, वैसे पबजी में भी कॉन्करर से पहले एस आता है, तो एस में भी वैसा ही सीन होता है। ऐसा
हर सीजन एस में तो पहुंच ही जाता था इजीली, लेकिन उतना खेलता नहीं था कि कॉन्करर पहुंच पाओ। तो देखते हैं, अभी तो लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, शायद ज्यादा खेल पाऊँ, मजा आएगा। बीजीएमआई आने दो और देखते देखते। ठीक है ना, बस इतना ही तोड़ना सही, इससे ज्यादा यहाँ पर तोड़ के लाजिक नहीं है, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको भी इतना नहीं तोड़ना चाहिए था, मैंने तोड़ दिया, थोड़ा क्लियर लगेगा ये जगह दिखने में, इसीलिए। ठीक है ठीक है, सही सही है। यहाँ पर पानी को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर पेड़ वगैरह लगेंगे। ओके, सुब्बू भाई, हेलो हेलो हेलो, आर यू प्ले पबजी? पबजी अभी तो नहीं खेलता हूँ, बैन है, अनबैन होने दो, बीजीएमआई खेलेंगे। पबजी का नया भाई BGMI, वो जो मीम नहीं शेयर हुआ था, रजनीकांत का एक फोटो है, उसमें वो बेड में लेटा हुआ है, नाजुक हालत है, उसको शॉक दे रहे हैं ताकि वो जिंदा हो जाए, और पास में और एक फोटो है, रजनीकांत चश्मा पहन के टकला होके वो हेलीकॉप्टर से उतर रहा है। वो मस्त लगा है। वो मस्त किया है। पक्का गुस्सा हो? नहीं गुस्सा हूं, क्यों गुस्सा हूंगा, कुछ भी क्यों गुस्सा हूं? मैंने गलती से जावा एडिशन कर लिया, अब क्या करूं? गलती से जावा एडिशन कर लिया मतलब, समझा नहीं। जावा एडिशन तो बढ़िया है, मैं भी खेलता हूं, समझा नहीं क्या बोल रहे। ये सैंड तोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं फिल करने वाला हूँ, तो ये सैंड मेरे फ्यूचर में काम आ जाएंगे, ये तो स्टोन है ना, अब तक पानी में रन नहीं रखूंगा। पर जावा मोबाइल पे नहीं, हाँ जावा तो मोबाइल पे चलेगा ही नहीं, तो जावा कर ले, कर कैसे लोगे? कर लिया जावा मतलब मोबाइल में पॉकेट एडिशन होता है, और एक होता है पीसी में जो होता है बिड्रॉक एडिशन, और एक होता है जावा जो मैं खेल रहा हूँ। तो मैं डर्ट तोड़ देता हूँ। अरे यार ऊपर से ऊपर, यहाँ पर सांस ले पा रहा, अजब गजब। अच्छा यहाँ पर स्टोन है, इतना ये मिल रहा है मुझे, ले यहाँ पर स्टोन है बस, अब इसे फील कर देता हूँ। आजा फील कर दो ये जगह को, फेल कर दो। अरे ऊपर चढ़ लो, नहीं गुस्सा हूं तन्मय। कल का डेली स्ट्रीम
पे आऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आप रेगुलर डेली आओ नहीं आओ उसके उसके लिए मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ काम होते हैं। आप फ्री हो आप टीवी वगैरह यूट्यूब वगैरह कब देखते हो? जब आप फ्री हो। तो आप फ्री नहीं हो तो नहीं देखते हो, तो इसमें क्या है? इसमें कोई बात नहीं है। मैं भी वही बोलता हूँ कि आप फ्री होगे तभी आना, कोई इशू नहीं है इसमें, कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तक फील कर देता हूँ, है ना, यहाँ तक फील कर देता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ तक मैं फील कर देता हूँ। अरे ऑक्टोपस उधर चले जाओ, मरना मैं बोल रहा हूँ मर जाओगे। अरे इसको मरना ही है मेरे हाथों। अब ये पक्का मरेगा मेरे हाथ। तो सांस घोट के मारूंगा उसको। अरे जल्दी ले लो, चढ़ लो ऊपर, चलो हो गया ठीक है, तोड़ लिया जहां तक मुझे करना है। हाँ यहाँ तक करना है, तोड़ लिया, हो गया। यो आजा, हाँ आजा, भाग क्यों गया? डरता है, डरता है। चलो तो ठीक है, नाइट बॉट। तो ये पानी मैं थोड़ा काम में ये ले लेता हूँ, बाद में करते हैं, रुको ये वाला काम बाद में करते हैं। बड़ा बूम नाइट बॉट। हेलो, अरे कौन आया है चैट में? द गेमिंग बॉय। हाँ अब कहाँ सोओगे, अब कहाँ सोओगे? मैं सोऊंगा ही नहीं, बेड भी नहीं लगाऊंगा, देखते कहाँ पर सो रहे हो। रात हो गया, अब भी कहाँ सोओगे? मैं वही देख रहा हूँ। अरे वहां है तुम्हारा विलेज, उसको विलेज के पास लेके आते हैं। आ बेड है ना अपने पास, आया ये रहा बेड, आ जाओ। ये रहा बेड, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, मैं नहीं सो, जल्दी आ जाओ, मुझे मारना दे कोई क्रीपर। हाँ
आजा आजा जल्दी आ जाओ, यहाँ पर गोलेम तो है। आ जाओ यहाँ पर बैठे, आ जाओ आ जाओ। हमारे लिए विलेज में कोई बेड नहीं है। एक सेकंड, अरे मत आओ, फट जाएगा विलेजर, विलेजर का विलेज नष्ट हो जाएगा। अच्छा इस घर में कोई बेड नहीं है, ठीक है इस घर में मैं काम करता हूँ फिलहाल के लिए, ये रेड बेड लगा देता हूँ। ये गोलेम जो है वो क्रीपर्स को नहीं मारती, एक काम करता हूँ मैं सुबह कर देता हूँ। बताओ, अरे सब अचानक से आ गए। अरे बेडरॉक एडिशन मोबाइल पे चलेगा, पता नहीं मुझे कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में। मुझे जितना पता है कि ये चलता है पॉकेट एडिशन। क्या हाल है भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ गेमिंग बॉय, आप बताओ। विलेजर इज 8 ईयर, क्या है ये? तन्मय इज बिगेस्ट बॉट, ओ माय गॉड, तन्मय इज बिगेस्ट न्यू, ओ माय गॉड, तन्मय इज बॉटेस्ट, ओ माय गॉड, मेरा फैन यहाँ भी है। अरे क्रीपर बाहर ही खड़ा हुआ है, भागो। अरे एंडरमैन को पटक पटक के मारा, मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा क्रीपर को नहीं मारता है गोलम, गोलेम। अरे एंडरमैन, आरआईपी एंडरमैन गाइस, आरआईपी एंडरमैन, ओ माय गॉड, एंडरमैन को तो कतई मार दिया। आजा मनहूस, भाग यहाँ से निकल, पहले पूछो तुम। एंडर पर्ल मिल गया मुझे, फ्री का। एंडरमैन को मारता है, पता नहीं था मुझे। ओहो आपका हालत तो नाजुक हो चुका है, मेरे पास उतना आयरन नहीं है मैं रिपेयर करूँ आपको, तो फिलहाल के लिए सॉरी। हाँ शेडर ऑफ क्यों है, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट 1.17 है, और माइनक्राफ्ट 1.17 में लावा किस तरफ है, इस तरफ है, और माइनक्राफ्ट 1.17 का ऑप्टिफाइन निकला नहीं है अभी भी, समझ लो। तो माइनक्राफ्ट का 1.17 ऑप्टिफाइन नहीं निकलेगा तो मैं शेडर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो निकलने दो, 5-6 दिनों में निकल जाएगा, मैक्स टू मैक्स और 5-6 दिन लगेगा शायद से। तो ये फिर से वहां पर चला गया, नहीं ये दूसरा विलेजर है। नहीं वो फिर वो जा रहा है फिर से, ये पर कोई बिल्ड तो लगा हुआ नहीं है, ये फिर भी वहां पर जा रहा है। विली गैंगस्टर थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, अरे रे रे रे, वेलकम टू द रसोलिन गेमिंग, फॉलोइंग इतना है यार। अरे तन्मय को देखो, उनको नूब बोलो वो खुश हो जाते हैं। मेरे टी लॉन्चर में है ऑप्टिफाइन, टी लॉन्चर में पता नहीं उसमें तो रहता है, लेकिन जो ऑप्टिफाइन ऑफिशियल वाला है जो ये इसके लिए होता है वो तो अभी निकला नहीं है। अभी जो लोग खेल रहे हैं वो 1.16 ही खेल रहे हैं, अगर वो शेडर में खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी ऑप्टिफाइन का
जो 1.17 होगा ही नहीं क्योंकि नहीं निकला है अभी, प्री में है मतलब बीटा स्टेज में है, जिसमें ऑप्टिफाइन काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, वो टेस्टिंग पर्पस ओनली। तो इसी के लिए मैंने थोड़ा सा यही सोच रहा हूँ कि ये खेल लेते हैं, कभी तो माइनक्राफ्ट मैंने बेसिक लुक में खेला ही नहीं है कि एकदम नॉर्मल में कैसा लगता है, तो वो खेल लेते हैं, थोड़ा खेल भी लेंगे। अब जब ऑप्टिफाइन निकल जाएगा तब शेडर भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा लग रहा है वैसे, पहले एक दिन कैसा लग रहा था कि अरे यार फिर अभी अच्छा लग रहा है। लूल, मुझे कंटेंट दो ना सर, कंटेंट मैं कैसे दूंगा, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, गेमिंग चैनल है तुम्हारा थोड़ी रोस्टिंग चैनल है, कोई किसी के बारे में गॉसिप कर दूंगा आपका हो जाएगा कंटेंट। ओह माय गॉड, यहां तक तो नहीं तोड़ूंगा, यहां से सीधा आऊंगा तो बहुत हो जाएगा, नहीं यहां से सीधा आके यहां से मुड़ जाऊंगा तो अच्छा खासा जगह एक मिल जाएगा मुझे। क्या बोलते हो, है कि नहीं? तो मेरा चैनल के तो लगे पड़े हैं 2 स्ट्राइक, सैड लाइफ। अरे स्ट्राइक वाला कंटेंट इस्तेमाल क्यों किया, नहीं करना है ये। स्ट्राइक वाला कंटेंट से भी तो नहीं होता है, स्ट्राइक तो मैनुअली देते हैं, आता है कॉपीराइट क्लेम आते हैं, स्ट्राइक नहीं आते हैं। स्ट्राइक पड़ा है मतलब कोई मैनुअली दिया है, उनसे अब बात करना पड़ेगा फिर ही हटेगा। बुंडर गेमिंग, हेलो ब्रो कैसे हो, अच्छा बंदर गेमिंग है क्या, कोई बात नहीं बंदर गेमिंग ही सही। वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, कैसे हो, आजकल बहुत ज्यादा व्यू आ रहे हैं, कौन सा टैग यूज कर रहे हो, नहीं कहाँ व्यू आ रहे वही 20-30 कहाँ व्यू आ रहे वो तो कभी कभार वीडियो जैसे चल जाता है वैसे ही एक आधा वीडियो चल जाता है। हाँ व्यू आए, पिछली 2 वीडियो में व्यू कहाँ है उसको लेके मैं सोचता भी नहीं हूँ, मैं भी व्यू आए सभी सही है। जितना भी आ रहा है सही है, धीरे धीरे सभी बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ेंगे ग्रो होंगे, इसमें कोई लॉजिक तो नया नहीं है। यो ब्रो कैसे हो, अंदर गेमिंग कंटेंट नहीं यूज किया है मुझे, अंडर एज मतलब समझा नहीं, अंडर एज मतलब 18 साल के नीचे फेस कैम के साथ स्ट्रीम नहीं कर सकते इसीलिए स्ट्राइक दे दिया, ये कोई लॉजिक है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, एनी लॉजिक बिहाइंड दिस। ये तो कोई लॉजिक नहीं है,
हाँ यहाँ से थोड़ा तोड़ लूंगा, ठीक है। ठीक है ना यार, हाँ ठीक है ठीक। यहाँ से यहाँ तक आएगा, मैक्स टू मैक्स शायद। अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ तक आ रहा है। तो ये आएगा, मैं यहाँ तक आया, यहाँ तक आएगा। ओके नेवर माइंड, यहाँ तक नहीं खींच के मैं यहाँ पर थोड़ा और गड्ढा कर देता हूँ। ओके यहाँ तक बहुत ज्यादा, वहां तक जा रहे हैं, वहां तक मुझे नहीं करना, ठीक है। तो बताओ। अच्छा ऐसा तो मैंने नियम नहीं सुना, पता नहीं, हो सकता है, हो सकता है। तो फेस कैम मत करो और बात करो स्ट्राइक हटाने के लिए। तन्मय आपका आपका एज मुझे पता कैसे चलेगा? आपको आपका सिर्फ आवाज मुझे पता है ना, आपको मैंने देखा है ना किसी, आवाज से नहीं बोल सकते आप किसी का एज। द गेमिंग बॉय सो सैड, वही तो सही नहीं हुआ। सह लेंगे। अरे वी होप जल्दी सॉल्व हो जाए और ठीक हो जाए सब, ठीक है। तो चलो फिर, स्ट्रीम एंड करने का वक्त भी आ चुका है, 6:15 बज चुका है। तो आज का स्ट्रीम को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। बाकी तरह तरह का चीज़ अभी करना बाकी है, जो कि वो वाह मेरे घर में मैं ही नहीं घूम रहा हूँ, ये कूद कूदे पड़ा है। ठीक है कोई बात नहीं। इतना पसंद आ गया क्या घर, वहां पर रख के आया फिर भी आ गए, कोई बात नहीं छोड़ो। तो चलो आज के स्ट्रीम को यहीं पर एंड करते हैं। तो शेडर वगैरह आ जाने दो, फिर एकदम बढ़िया तरीके से खेलेंगे भी। तो चलो स्ट्रीमर नेम करने का वक्त आ चुका है, सभी बाय 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 टप कर दो, टाइप कर दो बाय। बात अच्छा, एक एक हटा, अच्छा हट जाएगा, सब हटाया हट जाएगा, कोई इशू नहीं। आप वो मत करो जो जिसकी वजह से हुआ था, और बात करो हट जाएंगे, हट जाएंगे। सो स्ट्राइक बहुत के चैनल में पड़ते हैं, हट जाते हैं, आप बात करो और हो जाए। तो टेंशन मत लो, बातें करो यूट्यूब वालों से या जहाँ से आए, वो लोग लिंक तो देते हैं कि अगर आपको कोई अपील बोलना है कि कुछ करना है तो वही है। तो चलो फिर आज के लिए बाय गाइस, ख्याल रखो, ठीक है। मैं मिलता हूँ कल एक नई लाइव स्ट्रीम के साथ, कल भी शायद माइनक्राफ्ट ही खेलूँ, क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड लाइव स्ट्रीम होने वाला है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाला है। तो चलो, लव यू गाइस, थैंक यू द गेमिंग बॉय, बड़ा बूम करते हुए तन्मय, चलो बाय बाय बाय। तो आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए। मैं आप सभी से मिलूंगा अगली लाइव स्ट्रीम में, आप सभी को मेरी तरफ से प्यारा वाला गुड नाइट, और अभी के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर, बड़ा बूम।